प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट वन मैथ ऑनर्स में जो आपका क्वेश्चन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में पेपर वन के लिए 2018 में आया हुआ है, आज हम लोग इस एक सेशन में कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में पहले ही आपको बता चुका हूं, उसका वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं। तो प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में मैं आपको 5 नहीं बल्कि 7 क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 5 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता है ग्रुप ए बी और सी मिलाकर। तो क्वेश्चन का जवाब देना है 5, लेकिन मैं आपको 7 क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। ग्रुप ए से मैं 3 क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा, ग्रुप बी से 1 क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा और ग्रुप सी से मैं आपको 3 क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। ग्रुप ए से क्या क्या क्वेश्चन रहेगा मैं थोड़ा सा आपको लिख कर बता देता हूं ताकि आपको आइडिया चल जाए, आपको कोई समस्याएं परेशानी न हो। तो ग्रुप ए में क्या क्या है, ग्रुप ए में आपका 2 बुक आता है, नंबर 1 पेट चोरी और नंबर 2 थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इससे 2 क्वेश्चन पूछता है और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछता है। ग्रुप बी में आपका हो गया मॉडर्न अलजेब्रा और इससे 4 क्वेश्चन पूछता है। ग्रुप सी ये आपका हो गया नंबर 1 मैट्रिक्स अलजेब्रा और 1 आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्री। मैट्रिक्स अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन और ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछता है, यह आपका आने का तरीका है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, टोटल आपका कितना क्वेश्चन हो गया काउंट कर लीजिए, 4 तिहाई 12, यानी कि टोटल कितना क्वेश्चन आएगा, 12 क्वेश्चन, जबकि आपको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का। तो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आपको 12 क्वेश्चन पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के समय में आप बिल्कुल ही 12 क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन आप कीजिएगा, इससे ज्यादा आप नहीं तैयारी कीजिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे हम सेट थ्योरी से और 2 क्वेश्चन करवाएंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, 3 क्वेश्चन हो गया। मॉडर्न अलजेब्रा से आपको 1 क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे, 4 क्वेश्चन। मैट्रिक्स अलजेब्रा से आपको 2 क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे और ट्रिगोनोमेट्री से आपको 1 क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे, यानी कि कितना हो गया, 1 और 2 3 1 4 4 2 6 1 7, 7 क्वेश्चन की तैयारी करना है, जबकि आपको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का। होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये आपका है सेट थ्योरी का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसका जवाब देते हैं। पहले मैं इसको मिटा लूं। तो आइए देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का क्वेश्चन नंबर ए। 2 में आपका कोई भी क्वेश्चन ए और बी करके आता है, जनरली कई बार 1 आ जाता है, लेकिन जनरली ए और बी करके आता है। क्या क्वेश्चन है, कहता है इफ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, बी अ मैपिंग एंड ए बी आर सबसेट्स ऑफ वाई, देन हम लोगों को दिखाना है 2 नंबर। कौन सा सिर्फ सिद्ध करना है, एग्जाम में सिर्फ पूछा है 2 नंबर,
मैं आपके लिए सिर्फ एक ही बता देता हूँ, क्योंकि दो से चार लाइन में एक नंबर बनना है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में 2018 में कौन सा पूछा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है दो नंबर सिद्ध करने के लिए। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है। गिवन एफ एक मैपिंग है एक्स से वाई, समझ गए। और क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कि ए सबसेट किसका है, वाई का, समझ गए। और आपका बी किसका सबसेट है, वाई का। ए और बी दोनों किसका सबसेट है, वाई का, लिखा हुआ है। ए और बी किसका सबसेट है, वाई का सबसेट है। ठीक है, तो हम लोगों को दिखाना है कि एफ इनवर्स ए सबसेट होगा एफ इनवर्स बी का कब है, जब ए किसका सबसेट है, बी का। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर वन, लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए आपका बी का सबसेट है। देखिए यहां पे बराबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मीनिंग मोटा मोटी एक ही होता है। ठीक, ए सबसेट है बी का। लेट लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ए, आपको ये वाला चीज इसका सबसेट दिखाना है, यहां से लेकर चलिए। लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ए, इसका मतलब इनवर्स एफ इनवर्स इधर लेते आइए, तो एफ एक्स कहां बिलोंग्स करेगा, ए में, हाँ या नहीं। देखिए x belongs to कहाँ है, f inverse a, तो f inverse उस तरफ लेते आइएगा तो f x हो जाएगा, f x कहाँ belongs करेगा, a में। लेकिन a किसका सबसेट है, b का, इसका मतलब b बड़ा है, तो जब a में है तो obvious से बात है b में है। लिखिएगा but a is subset of b, therefore f x belongs to कितना हो जाएगा, B, समझ गए। A B का सबसेट है, यानी कि fx अब कहां चला गया, B में। और जब आपका fx B में है, इसका मतलब x belongs to f inverse B। इस f को उस तरफ लेके जाइएगा तो कितना हो जाएगा, f inverse, कितना हो जाएगा, f inverse। x कहां चला गया, f inverse B में। आप कहां लेके चले थे, आप x को लेके चले थे f inverse A में, और आप फाइनली कहां दिखा दिए, x कहां पे है, F इनवर्स B में, यानी कि ये वाला भाई साहब इसका सबसेट हो गया। हाँ, क्या कीजिएगा, 10 when, when x belongs to F इनवर्स A implies x belongs to F इनवर्स B, therefore F इनवर्स A is subset of F इनवर्स B, और इस प्रकार से एक पोर्शन आपका प्रूव हो गया, समझ गए, एक पोर्शन आपका प्रूव हो गया। ठीक है, एक हम लोग दिखा दिए, हालांकि ये पूछ नहीं रहा था, फिर भी हम आपको दिखा दिए नॉलेज के लिए। हम लोगों को एक्चुअल में सिद्ध करना है सेकेंड पोर्शन। तो सेकेंड पोर्शन के लिए देखिए क्या है, सेकेंड पोर्शन के लिए आपको एफ इनवर्स ए यूनियन बी दिखाना है कि एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी के बराबर होनी चाहिए। लेटिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ए यूनियन बी, तो एफ इनवर्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यूनियन में है इसका मतलब और में है, इसका मतलब कितना हो गया, एफ एक्स बिलोंग्स टू ए और एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ए और x belongs to f inverse b, और में है तो union में हो जाएगा, इसका मतलब x belongs to f inverse a union f inverse b। आप x कहां लेके चले थे, f inverse a union b में लेके चले थे, और x आपका f inverse a union f inverse b हो गया। लिखिएगा that is when x belongs to f inverse a union b, then x belongs to f inverse a union f inverse b, इसीलिए ये वाला भाई साहब इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। लिखेगा therefore f inverse a union b is subset of f inverse a union f inverse b,
देखिए बराबर दीजिए बराबर नहीं दीजिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता है, समझ गए। ये एक्चुअल में जो है ना ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा बुक में आपका बराबर देता है और बहुत सारे में नहीं देता है, ये बहुत बड़ा आपका इश्यू नहीं है, समझ गए। यदि कहीं पे बराबर रहे इनकेस आप छोड़ दिए तो वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक। आप इसको क्या कीजिए एक मान लीजिए, समझ गए, क्या कीजिए आप इसको एक मान लीजिए, ठीक। अब फिर देखिए अगेन अगेन, चूंकि ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी का, हाँ या नहीं। ए किसका सबसेट होता है ए यूनियन बी का, बी किसका सबसेट होता है ए यूनियन बी का, दोनों तरफ आप इनवर्स का ऑपरेशन ले लीजिए, लिखिएगा देयरफॉर एफ इनवर्स ए सबसेट होगा एफ इनवर्स ए यूनियन बी का और एफ इनवर्स बी सबसेट होगा एफ इनवर्स ए यूनियन बी का। आपका एफ इनवर्स ए यूनियन बी का सबसेट है, एफ इनवर्स बी एफ इनवर्स ए यूनियन बी का सबसेट है, यानी कि इस केस में ये दोनों का यूनियन भी आपका सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी, बी किसका सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स ए यूनियन बी का, और इसको हम लोग क्या मान लिए दो नंबर, समझ गए, क्या मान लिए दो नंबर। तो एक और दो से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भाई साहब इसका सबसेट और ये वाला भाई साहब इसका सबसेट, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर, समझिए आपस में क्या है बराबर है। यदि आपकी इच्छा है कि यहाँ पर हम सबसेट वाला चिन्ह दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं, और यदि इच्छा है नहीं भी देने का तो आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लिखिएगा देयरफॉर वन एंड टू इंप्लाइज एफ इनवर्स ए यूनियन बी बराबर हो गया एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी, और इस प्रकार से ये आपका हो गया, समझ गए, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब सुनिए, अब बात ये है कि आप बताइए कि इतना लिखिएगा तो आप आठ नंबर के काबिल हैं, ईमानदारी से बोलिए, हाँ या नहीं, आप ऑनर्स में आठ नंबर के काबिल हैं। यदि आप इसके काबिल नहीं है, आपको खुद ही लगता है कि काबिल नहीं है, तो आप इससे रिलेटेड टर्म्स को पहले डिफाइन कर दीजिएगा। जैसे रिलेटेड टर्म में क्या डिफाइन कीजिएगा, यहाँ पे मैपिंग की बात करता है ना, आप मैपिंग को डिफाइन कर दीजिएगा, समझिए। आपको क्या क्या इस वीडियो में ही अभी जो है इसके बाद आपको मिल जाएगा, जो जो डिफाइन करना है मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। आपको क्या क्या डिफाइन कर देना पड़ेगा, आप जो है मैपिंग का डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक। हाँ, फिर देखिए इनवर्स के यूज है ना, आप इनवर्स इनवर्स मैपिंग का, हाँ इनवर्स मैपिंग का भी आप डिफाइन कर दीजिएगा, इनवर्स ऑफ ए मैपिंग, यही जब डिफाइन कीजिएगा ना तो आपका मोटा मोटी डेढ़ दो पेज तो यही ले लेगा डेफिनेशन में, ये दो चीज हो जाएगा। और देखिए और भी कोई टर्म यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, ये दो हुआ है ना, तो इस दोनों को आप डिफाइन कर दीजिएगा तो आपको आठ में आठ नंबर मिल जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर हम इसको जो इसका डेफिनेशन होगा आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोग के पास तो डेफिनेशन है ही, यहाँ पर डेफिनेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर टू का भी, इफ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी इज अ मैपिंग फ्रॉम वाई टू जेड बी टू बाइजेक्शन, यानी कि आपका बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन का मतलब वन और ऑन टू दोनों है,
देन जी ओ एफ इनवर्स दैट इज इनवर्स ऑफ जी ओ एफ एग्जिस्ट एंड जी ओ एफ इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम जेड टू एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज मैपिंग फ्रॉम जेड टू एक्स। कहने का मतलब है कि जी ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स हम लोगों को दिखाना है। और याद रहे ये जो आपका ओ है कई बार आपका इस तरह से पूछ सकता है जी एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स जी इनवर्स, यानी कि बीच में आपका जो है वेल नॉन है इसके बीच में आपका कंपोजिशन है, समझ गए, इसके बीच में क्या है कंपोजिशन है, ये आपका वेल नॉन है। ठीक, इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ, प्रूफ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। गिवेन, गिवेन f इज ए मैपिंग फ्रॉम x टू y एंड g इज ए मैपिंग फ्रॉम y टू z, b टू बाइजेक्शन, बोलिए कोई दिक्कत, ये आपका दो बाइजेक्शन दिया हुआ है, समझ गए, ये दो आपका क्या दिया हुआ है बाइजेक्शन, इसीलिए ये बाइजेक्शन है तो इसका कंपोजिशन भी क्या होगा बाइजेक्शन ही होगा। एक थ्योरी होता है यदि दो मैपिंग आपका बाइजेक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी क्या होता है बाइजेक्शन। लिखिएगा देयरफॉर, देयरफॉर देयर कंपोजिशन, कौन सा कंपोजिशन, पहले एफ ओ जी, इसमें पहले किसका काम होगा एफ का, ये भी आपका एक, समझ गए, ये भी आपका एक मैपिंग होगा, कहां से कहां में, एक्स से कहां तक में जेड में, एक्स से कहां में जेड में, विल बी आल्सो बाइजेक्शन, समझ गए, इसीलिए इसका कंपोजिशन भी क्या होगा बाइजेक्शन होगा, समझे बात को, क्योंकि एफ और जी आपका दोनों मैपिंग बाइजेक्शन है इसीलिए इसका कंपोजिशन क्या होगा बाइजेक्शन होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो मैपिंग आपका बाइजेक्शन होता है बाइजेक्टिव होता है उसका इनवर्स भी निकलता है और वह इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है, समझ गए, इनवर्स भी आपका वन वन और वन टू होता है। लिखिएगा सो, सो इनवर्स ऑफ जी ओ एफ दैट इज जी ओ एफ इनवर्स एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट करेगा एंड इज ए, इज ऑल्सो ए, इज एंड इज ऑल्सो ए वन वन एंड ऑन टू ब्रैकेट में बाइजेक्शन, ये भी आपका वन वन और क्या होगा ऑन टू होगा, समझ गए, दैट इज जी ओ एफ इनवर्स, ये भी आपका क्या होगा वन वन और ऑन टू। तो लेकिन देखिए जी ओ एफ ये आपका एक्स टू जेड में था तो इनवर्स लगा दीजिएगा तो कहां से कहां हो जाएगा, ये आपका जेड टू कहां हो जाएगा एक्स, समझ गए, जेड टू एक्स में, ये भी आपका क्या होगा बाइजेक्टिव होगा, ये आपका क्या होगा बाइजेक्टिव, is a bijection, ये भी आपका एक bijection होगा, समझ गए, यानी कि अभी हम लोग क्या दिखाए बोल रहा था दिखाइए कि g o f inverse आपका क्या होना चाहिए bijection होना चाहिए, समझ गए, ये हम लोग क्या किए इसका bijection दिखा दिए। ठीक है, अब देखिए now क्या दिया हुआ है, f आपका एक मैपिंग है कहां से कहां में x टू y और G आपका एक मैपिंग है Y से Z में, B टू बाइजेक्शन, ये दो बाइजेक्शन है, समझ गए, therefore F इनवर्स आपका एक मैपिंग हो जाएगा Y से X में और G इनवर्स आपका मैपिंग हो जाएगा Z से Y में और ये भी भाई साहब क्या होगा दो बाइजेक्शन हो जाएगा और तब इसका कंपोजिशन भी आपका बाइजेक्शन हो जाएगा। लिखेगा एंड सो, हाँ एंड सो जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, समझ गए, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स
ठीक है, बल्कि आपका इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपका हो जाएगा, समझ गए जी? आपको कहां से जाना है? जी से आपको कहां पे जाना है? इसमें इसमें जो है, इसमें से देखिए तो ये लिखने का जो उसका तरीका था, इसमें आपका क्या हो जाएगा? पहले आपका कौन सा यूज होगा? जेड से वाई, फिर वाई से एक्स, समझ गए? यानी कि पहले आपको क्या यूज करना है? पहले देखिए, पहले कहां से जाइएगा? जेड से वाई में, फिर वाई से कहां पे जाना है? एक्स में, यानी कि जी इनवर्स ओ और एफ इनवर्स, समझ गए? पहले यहीं से शुरू होगा ना, ये भी आपका एक मैपिंग होगा, कहां से कहां? जेड से एक्स, ये भी आपका एक मैपिंग होगा, कहां से कहां मैपिंग होगा? तो जेड से एक्स में, और ये भी आपका मैपिंग जो है बाइजेक्शन होगा। विल ऑल्सो बाइजेक्शन, ये भी आपका क्या होगा? एक बाइजेक्शन होगा। अब देखिए, यहां से जेड से एक्स में कौन सा मैपिंग डिफाइंड है? जी और एफ इनवर्स, और यहां जेड से एक्स में कौन सा मैपिंग डिफाइंड है? तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स। कहने का मतलब है इस मैपिंग का डोमेन कितना हो गया? जेड, और इस मैपिंग का डोमेन कितना हो गया? जेड, यानी कि दोनों का ही डोमेन आपका सेम, समझ गए? दैट इज डोमेन ऑफ जी ओ एफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, दोनों का ही आपका डोमेन क्या है? सेम, समझ गए? दोनों का आपका डोमेन सेम, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? तो अब आपको करना है इस प्रकार से, हाँ, लेट x belongs to x, x आपका x में कोई एक एलिमेंट, ठीक। तो then there exists y belongs to y, तब आपका एक y, कम से कम y में इस प्रकार से होगा, हाँ, then there exists y belongs to y such that fx बराबर कितना हो जाएगा? y, यानी कि चूंकि आपका f कैसा मैपिंग है? f आपका एक मैपिंग है 1 1 और 1 2, 1 1 और 2 का मतलब कि x में यदि कोई एलिमेंट लिए, उसके लिए y में कम से कम एक एलिमेंट इस प्रकार से होगा कि fx बराबर कितना हो जाएगा? y, fx बराबर कितना हो जाएगा? y, and for y belongs to y, there exists z belongs to z, such that इस प्रकार से कि gy बराबर कितना हो जाएगा? z, समझ गए? gy बराबर कितना हो जाएगा? z, x आपका x में इस प्रकार से हुआ कि इसके लिए एक एलिमेंट y में आया, किस प्रकार से? fx बराबर कितना हो गया? y, और चूंकि अब y में आप एक एलिमेंट ले चुके हैं y, तो इस y के लिए z में एक एलिमेंट होगा इस प्रकार से कि gy बराबर कितना हो जाएगा? z, चूंकि a x और y के बीच में, x और y के बीच में आपका f मैपिंग था, यहाँ पर f लिए थे, और y और z के बीच में आपका g मैपिंग है, यहाँ पर क्या ले लिया हम लोग? g ले लिए, समझ गए? क्या ले लिए? g, ठीक है। और यहीं से एक बात बताइए कि यहां से x बराबर f इनवर्स y लिख सकते हैं कि नहीं, और यहां से y बराबर g इनवर्स z लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि f और g आपका 1 1 और on 2 मैपिंग है, यानी f और g आपका कौन सा मैपिंग है? 1 1 और on 2, और जो मैपिंग आपका 1 1 on 2 होता है, जो बाइजेक्शन होता है, उसमें इनवर्स एग्जिस्ट आपका करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम लोग को स्टार्ट करना है नौ, जी ओ एफ एक्स बराबर जी, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स। तो बताइए, एफ एक्स किसके बराबर है? वाई के बराबर है, और अब जी वाई किसके बराबर है? जी वाई बराबर है जेड का, यानी कि जी ओ एफ एक्स बराबर कितना हो गया? z, g o f x बराबर हो गया आपका z, therefore g o f inverse z
किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर, क्योंकि जब आप इसको उस तरफ भेजिएगा तो किसमें चला जाएगा? इनवर्स आया नहीं, तो जी ओ एफ इनवर्स किसके बराबर हो गया? तो जेड एक्स के बराबर। जी ओ एफ इनवर्स जेड किसके बराबर हो गया? तो एक्स के बराबर। ठीक है, आप क्या कीजिए, अभी तक वन टू तो हम लोग माने नहीं है, आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए वन, समझ गए, इसको हम लोग क्या ले लिए वन, तो अब तो जगह है नहीं, आप लिखिए और फिर मिटाकर इसको हम बताते हैं। लिखिए फटाफट, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक नंबर हो गया, अब बताइए कि जी ओ एफ का होल इनवर्स किसके बराबर दिखाना था? एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के बराबर। अब इसको लेकर चलिए, नाउ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, समझ गए, और यहां पर पहले जी इनवर्स है ना, जी इनवर्स देखिए कहां से शुरू हुआ है, जेड से, यानी कि आपको जेड एलिमेंट लेके चलना है, क्या लेके चलना है, Z। तो बोलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, F इनवर्स G इनवर्स J। आप यहाँ पे G इनवर्स था ना, तो G इनवर्स कहाँ से शुरू हुआ है, Z से, आपको किसका एलिमेंट लेना है, Z का लेना है। ठीक है, अब सुनिए ना, अब देखिए तो F इनवर्स G इनवर्स Z देखिए किसके बराबर है, G इनवर्स Z किसके बराबर है, Y के बराबर है, या नहीं, ये Y के बराबर है, यहाँ पे क्या लिख दीजिए Y, और फिर एक बात बोलिए कि F इनवर्स Y किसके बराबर है, F इनवर्स Y आपका X के बराबर है, किसके बराबर है, X के बराबर है, कहने का मतलब है F इनवर्स O Z था, G इनवर्स Z किसके बराबर हो गया, X के बराबर, आप इसको दो नंबर मान लीजिए। ये भी देखिए, ये भी भाई साहब X के बराबर और ये भी भाई साहब X के बराबर, तो वन एंड टू इंप्लाइज, वन एंड टू इंप्लाइज आपका दोनों जो है राइट हैंड साइड में, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड का बराबर हो गया, यानी कि जी ओ एफ इनवर्स बराबर हो गया एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था, समझिए, इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव कर लिए। ठीक, कहां पे, ये एफ वाई नहीं होगा, फोर होगा, फोर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका सेट थ्योरी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेट थ्योरी का कंप्लीट हो गया, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक x पे पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो मे बी इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि आपका एक बाइक्वाड्रेटिक दिया हुआ है, समझ गए, बाइक्वाड्रेटिक में आपको वह कंडीशन लेना है, बाइक्वाड्रेटिक में आपका एक चीज और भी है कि इसका जो रूट्स है वो रूट्स आपका जीपी में दिया हुआ है, रूट्स किस में दिया हुआ है, जीपी में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी कि ये आपका दिया हुआ है जीपी में, तो हमको बोल रहा है, आप लोग से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप वो कंडीशन निकालिए जिसके लिए इसका रूट्स किस में हो जाए, जीपी में, समझ गए, जीपी में हो जाए, तो याद कीजिए, तो जीपी का फोर टर्म्स हम लोग क्या लेते हैं, जीपी का फोर टर्म्स याद है, सॉल्यूशन क्या लेते हैं, हाँ, ए बाय आर, थ्री टर्म्स आप बोल रहे हैं, क्या लिखिएगा, लेट, हाँ ऐसे लिखिएगा, सबसे पहले गिवेन इक्वेशन इज, सबसे पहले लिखिए गिवेन इक्वेशन इज, क्या लिखा हुआ बोलिए तो, एक्स पे पावर फोर प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो, लेट, हाँ एक्चुअल में जो होता है इस प्रकार से, a by r क्यूब, a by r, ar, ar, क्यूब, समझ गए, ये चार टर्म्स हम लोग लेते हैं किसका, यदि gp में रहता है तो चार टर्म लेने का यही तरीका है, तो यहाँ पर हम लोग a तो भले चुन सकते हैं, a कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन r तो आपका यूज क्या है ना, r आपका यूज क्या है,
इसीलिए आर और ए का यूज नहीं करके हम लोग इसको क्या करते हैं, अल्फा बीटा में ले लेते हैं। किसमें ले लेते हैं? अल्फा बीटा में। लेट अल्फा बाय बीटा क्यूब, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्यूब बी फोर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका नाम दे दीजिए वन, हाँ रूट्स ऑफ द इक्वेशन वन। ये आपका किसमें है? जीपी में है, इसीलिए ये जीपी का फॉर्मेट लिखे, समझ गए? ये जीपी में है तो जीपी का फॉर्मेट लिखे, यदि ये एसपी में रहता तो हम लोग एसपी का फॉर्मेट, एपी में रहता तो एपी का फॉर्मेट लिखते। और ऐसा क्वेश्चन आता है, जीपी वाला भी आता है और एसपी वाला भी आता है, समझ गए? ये फोर रूट्स हो गया, ठीक है। अब देखिए तो एक एक करके रूट्स को जोड़ दीजिए, रूट्स को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा बोलिएगा, तो पहले एक एक करके जोड़िए, यानी कि देयरफॉर अल्फा बाय बीटा क्यूब प्लस अल्फा बाय बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब बराबर, समझ गए? आप क्या किए, आप जो है कि यहाँ पर क्या किए बोलिए तो, हम लोग जो है सारे रूट्स को क्या किए, जोड़ दिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस वन पे पावर वन, यही ना जी, और नीचे कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर, नीचे हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर और ऊपर हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर माइनस, ये वाला माइनस कर देते हैं, यानी ये तो माइनस हो गया और एक्स पे पावर फोर का कोफिशियंट कितना है, वन है, और एक्स क्यूब का कोफिशियंट आपका है पी, एक्स क्यूब का कोफिशियंट पी है। इसमें से देखिए आपका अल्फा कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन ले लीजिए, वन बाय बीटा क्यूब प्लस वन बाय बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा क्यूब बराबर आपका हो गया माइनस पी, और इसको मान लीजिए आप दो नंबर, ये माइनस पी और ये क्या हो गया आपका दो नंबर, समझ गए? एक एक रूट लिए, अब दो दो रूट ले लीजिए, दो दो रूट लीजिएगा तो बताइए कितना रूट मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एन सी आर, यानी कि एन रूट में से दो दो रूट सिलेक्ट कीजिएगा तो कितना ऐसा आपको सिंबल्स मिलेगा। तो एन यानी कि टोटल आपका चार रूट है और दो दो सिलेक्ट कर रहे हैं, एन सी टू यानी कि चार बटे दो और तीन बटे एक, तीन दूना छ, यानी कि आपका दो दो करके कितना बार लिखना पड़ेगा, छह बार लिखना पड़ेगा। ये इसलिए आपको लिख दिए ताकि एक भी मिस हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि दो दो रूट करके आपको कितना बार लिखना पड़ेगा, छह बार। एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन रूट्स में से दो रूट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कितने प्रकार से सिलेक्ट आप कर सकते हैं, यानी कि दो दो करके आपका कितना बार आएगा, तो छह बार आना चाहिए। तो जैसे देखिए पहला पकड़िए, अगेन अल्फा बाय बीटा क्यूब पहला पकड़े, अब ले लीजिए दूसरा, फिर पहला पकड़े रहिए छोड़िए मत, और ले लीजिए तीसरा, पहला पकड़े रहिए छोड़िए मत, और कौन सा ले लीजिए चौथा ले लीजिए, हो गया पहला वाला काम खत्म, पहला से सबका कॉम्बिनेशन बना दिए। अब दूसरा को पकड़िए, दूसरा आपका अल्फा बाय बीटा, अब तीसरा ले लीजिए, दूसरा को भी छोड़िए मत और आप ले लीजिए कौन सा चौथा, दूसरा का काम खत्म, अब तीसरा चौथा एक साथ ले लीजिए, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा क्यूब, काउंट कर लीजिए छह हुआ कि नहीं हुआ, एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि आपका कंप्लीट हो चुका है, समझ गए? ये आपका कंप्लीट हो चुका है। माइनस वन पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन पे पावर दो, क्योंकि आप दो दो रूट लेके चले हैं। और क्या कहता फॉर्मूला, नीचे कहता है कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर, ऊपर कहता है कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर माइनस टू, कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर माइनस टू। अब देखिए तो इस सब में जो है ना आपका अल्फा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वन बाय बीटा पे पावर फोर, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, हर जगह नहीं आएगा, कटेगा, देखिएगा यहाँ पर एगो बीटा कटा, वन बाय बीटा स्क्वायर, ये पूरा कट गया तो वन बच गया, हाँ या नहीं, और ये आपका पूरा कट गया, ये भी कितना बच गया वन, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर ले लिया है तो कितना बच गया बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर ले लेते बीटा पे पावर कितना बच गया फोर, बराबर
एक्स पे पावर दो, एक्स पे पावर दो यानी कि क्यू और नीचे कितना है वन, तो वन को छोड़ दीजिए, सिंपली आपको कितना मिल गया ये क्यू मिल गया, इसका नाम आप दे दीजिए तीन नंबर, समझ गए, इसका नाम हम लोग दे दिए तीन नंबर। और फिर देखिए आप तीन तीन रूट लेके चलिएगा तो फॉर्मूला क्या है, फोर सी थ्री है या नहीं, तो चार बटे तीन, तीन बटे दो, दो बटे एक यानी कि चार, तीन तीन लेके चलिएगा तो आपको कितना बार सिंबल मिलेगा, चार बार सिंबल आपको मिलेगा। बहुत केयरफुल रहिएगा कि एक भी आपका मिस नहीं हो, मिस होगा तो गड़बड़ा जाएगा। पहले पहला पकड़िए अगेन, ठीक है, अल्फा बाय बीटा क्यूब इंटू अल्फा बाय बीटा, पहला पकड़े है, अभी दूसरा लिए, अब जो है कि आप ले लीजिए तीसरा अल्फा बीटा, अभी जो है पहला पकड़े हैं, दूसरा लिए हैं और चौथा पकड़ लिए, समझ गए, क्या पकड़ लिया आप, चौथा यानी कि अल्फा बीटा, ठीक है, पहला के साथ जो है दूसरा तीसरा, पहला के साथ तीसरा चौथा, अब फिर पहला के साथ दूसरा और चौथा ले लीजिए, यानी कि अल्फा बाय बीटा क्यूब और फिर अल्फा बाय बीटा और अल्फा बीटा क्यूब। पहले काउंट कीजिए कितना हुआ, एक दो तीन, पहला के साथ हम लोग बाकी तीनों का काम कर लिए, अब पहला को आप छोड़ दीजिए, पहला को छोड़ने के बाद में अब आपको दूसरा तीसरा चौथा मिलेगा ना जी, तो तीनों मिलेगा ना, तो अब तो आपका काम हो ही गया, अब क्या मिलेगा बोलिए तो, अल्फा बाय बीटा फिर क्या है अल्फा बीटा, फिर आपका अल्फा बीटा क्यूब, काउंट कीजिए चार मिला कि नहीं मिला टोटल सिंबल, एक दो तीन चार, आपका काम खत्म हो गया, चार ही मिलना था, चार हम लोगों को मिल चुका है। फॉर्मूला कहता माइनस वन पे पावर थ्री, नीचे कहता है कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर, ऊपर है कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर माइनस जो यहाँ पर पावर है। अब देखे तो क्या मिला यहाँ पर, यहाँ से आपका अल्फा क्यूब हो रहा है बाहर, तो क्या मिलेगा बीटा बीटा खत्म, वन बाय बीटा क्यूब, यहाँ से अल्फा क्यूब बाहर, बीटा क्यूब खत्म, वन बाय बीटा, अल्फा क्यूब बाहर, बीटा क्यूब बाहर, नहीं नहीं वन बाय बीटे बचेगा क्या, यहाँ पे वन बाय आपका क्या बचेगा बीटा, देखिए तो, देखिए तो क्या हुआ, वन बाय यहाँ पर कितना हो गया बोलिए तो, बीटा क्यूब, वन बाय बीटा, समझ गए, तो यहां से जो है, यहां से देखे ना कुछ आप गड़बड़ किए होंगे, कहे कि हाँ वन बाय बीटा बचा ना, और यहां से आपका कितना, दोनों सेम हो गया है क्या, रुके तो दोनों सेम हो गए, रुके पहला लिए थे, ठीक है, पहला के साथ दूसरा तीसरा, फिर पहला के साथ तीसरा और चौथा लेना था ना, तीसरा और कौन लेना था, नहीं रुकिए, ये लिए, ये लिए, फिर ये अल्फा बाय कितना है बीटा, लास्ट ये थे, ठीक है, फिर ये और ये लेना था, नहीं ये आपका अल्फा बीटा लेना था, क्या लेना था अल्फा बीटा, समझ गए, अल्फा बीटा लेना, अब ठीक हो गया, अब लेंगे ना, तो यहाँ पर कहाँ लिए, ये बीटा क्यूब है, ये तो बीटा है ना, बीटा क्यूब है, ठीक है, तो देखिए बीटा क्यूब खत्म, तो वन बाय ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा बीटा बचेगा, और देखिए तो यहाँ से अल्फा क्यूब खत्म और आपका बीटा बीटा खत्म, तो आपका क्या बचेगा बीटा क्यूब, ये तो आपका माइनस हो गया ना, और नीचे तो आपका एक और एक्स का कोफिशिएंट देखे तो कितना है आर, यानी कि माइनस आर बच गया, ये आपका हो गया माइनस आर, और ये आपका हो गया फोर नंबर, और चारों रूट आप ले लीजिए, हाँ अल्सो अब चारों रूट्स लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अल्फा बाय बीटा क्यूब, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्यूब, माइनस वन पे पावर फोर, नीचे आपका हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर, ऊपर हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर फोर माइनस ये वाला पावर, समझ गए, तो देखिए तो आपको क्या मिला, तो आपका आपका जो है बीटा बीटा तो सब कैंसिल हो गया, अल्फा पे पावर फोर मिला, ये तो आपका प्लस हो गया, एक्स पे पावर फोर का कोफिशिएंट वन है, छोड़ दीजिए, और ये आपका एक्स पे पावर फोर माइनस फोर खत्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपका है ए, यानी कि ये आपका हो गया पांच नंबर, अल्फा पे पावर फोर इक्वल टू कितना हो गया एस हो गया, समझ गए,
अल्फा पे पावर 4 इक्वल टू आपका हो गया एस। अब ऐसा कीजिए कि इसको तो मिटाना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा। लिखे तो फटाफट मिटाकर फिर आपको बताते हैं। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या कीजिए तो चार में आप भाग दे दीजिए दो से, समझे? चार में किसे भाग दीजिएगा? दो से। एक चीज देखिए ना कि दोनों के ब्रैकेट में सेम चीज है ना, दोनों के ब्रैकेट में सेम चीज है तो कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा अल्फा क्यूब और यहां पर क्या बच जाएगा अल्फा, या नहीं? दोनों का ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है ना, कट जाएगा तो इधर अल्फा क्यूब और यहां पर आपका हो गया अल्फा और यहां पर माइनस और यहां पर माइनस पी बराबर माइनस आर बटे माइनस हो गया पी, ये दोनों कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो गया आर बाय पी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए अल्फा पे पावर 4 बराबर आर स्क्वायर बटे कितना हो गया पी स्क्वायर, अल्फा पे पावर 4 बराबर आर स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। और एक चीज देखिए अल्फा पे पावर 4 किसके बराबर है एस के बराबर, यानी कि कहने का मतलब है एस बराबर हो गया आर स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, कहां से फ्रॉम 5। इसको आप क्या कीजिए तो सॉल्व कर लीजिए, समझ गए? इसको क्या कीजिएगा तो आप कर लीजिए सॉल्व, इसको आप क्या कर लीजिए सॉल्व, ठीक है? तो सॉल्व कीजिएगा तो आप बताइए तो कितना मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना पी स्क्वायर एस, एक बार मिलाने दीजिए तो सही जा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही है। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया पी स्क्वायर एस और इस प्रकार से आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एस बराबर कितना हो गया जीरो, और यही आपका कंडीशन है, यानी कि जब कभी भी ये होगा तो आपका चारों रूट्स इस बाई क्वाड्रेटिक का किस में होगा जीपी में, समझ गए? जब कभी भी ये कंडीशन होगा तो इस जो आपका रूट्स दिया हुआ था इक्वेशन का वो रूट्स किस में हो जाएगा जीपी में। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है? इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग जो अगला क्वेश्चन है आपका डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन है, अगला क्वेश्चन क्या है डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, हम आपको समझा देंगे और आपको जो है अपने से भाषा बना के लिखना, ठीक? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 इक्वल टू 0। और हम लोग को देख लीजिए 20x है ना, हाँ 20 लास्ट में, और हम लोगों को किस मेथड से सॉल्व करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है कार्डन्स मेथड से, समझिए हम लोगों को सॉल्व करना है कार्डन्स मेथड से, और यह अकेला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का है, यह अकेला क्वेश्चन 16 नंबर का है, इसका मतलब यह क्वेश्चन बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है। यदि आपका यहां पर दो पावर नहीं रहता ना तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ दे, लेकिन जब दो पावर इंक्लूड रहता है तो क्वेश्चन काफी बड़ा बनता है, तो ये क्वेश्चन आपका अकेला 16 नंबर का है। कैसे सॉल्व कीजिएगा तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 बराबर 0 हो गया, और यहां पर जो है सेकेंड डिग्री टर्म है यानी कि एक्स स्क्वायर है, और कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, समझ गए?
कार्डन मेथड में क्या है कि आपको एक्स स्क्वायर को हटाना है, तो एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए कुछ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग काम करते हैं। इसका इसका तीन पावर है तो रूट्स भी तीन ही होगा, तो हम लोग इसके रूट्स को एट से रिड्यूस करते हैं और फिर हम लोग इसको दो पावर वाला टर्म को हटाते हैं। इसके रूट्स को कैसे रिड्यूस कीजिएगा, रिड्यूसिंग द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय एच एंड फॉर दिस वी पुट, हम लोग पुट करते हैं वाई बराबर एक्स माइनस एच, और इसके लिए क्या पुट करते हैं हम लोग, वाई बराबर एक्स माइनस एच, दैट इज एक्स बराबर कितना हो जाएगा वाई प्लस एच, एक्स बराबर कितना हो जाएगा वाई प्लस एच, और इसका मान आप वन में रख दीजिए, तो वन इंप्लाइज तो आपका x है, हम लोगों का m मेन m समझ गए ना क्या है, मेन m है यहां से x स्क्वायर वाले टर्म को हटाना, इसके लिए इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा यानी बदलना पड़ेगा। यदि x स्क्वायर का टर्म नहीं रहता तो ये आसानी से बन जाता और तब ये 16 नंबर में नहीं बल्कि 8 नंबर में पूछ सकता था। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x 1 इंप्लाइज x के जगह पर रख दीजिए y प्लस एच का होल क्यूब प्लस यहां पर y प्लस एच का स्क्वायर माइनस 16 y प्लस एच प्लस 20 इक्वल टू हो गया 0, और इसको तोड़िए तो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2yh प्लस h स्क्वायर माइनस 16y माइनस 16h प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको आप जो है ना देखिएगा, हम जो लिख रहे हैं आप लोग भी वेरीफाई करते रहिएगा, जरा से गलती होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपका क्या हो गया बोलिए तो y क्यूब एक ही जगह है या नहीं, और अब देखिए तो आपका y स्क्वायर कहां कहां पे है, एक y स्क्वायर यहां पर है और एक y स्क्वायर यहां पर है, तो आपका क्या हो गया y स्क्वायर इनटू यहां पर हो गया 3h और प्लस कितना 1। अब y वाले को देखिए तो y वाला एक यहां पर है, समझ गए, y वाला कहां है एक यहां पर, यानी कि 3h स्क्वायर y वाला यहां पर है प्लस कितना हो जाएगा 2h और y वाला जो है एक आपका यहां पर है माइनस 16। अब तो बचा नहीं, अब क्या बचा देखे तो, अब जो बचा उसको लिख दीजिए, यहां से आपका x क्यूब बच गया है या नहीं, x क्यूब और यहां पे देखे तो कितना हो गया प्लस h स्क्वायर माइनस 16h प्लस 20 बराबर आपका हो गया 0, और इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर, समझ गए, इसका नाम क्या दे दिए 2 नंबर। और अब आपको यहां से y स्क्वायर हटाना है तो ऑब्वियस बात है इसके कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा 0, इसके कोफिशिएंट को 0 करना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे 2 रिमूव सेकेंड डिग्री टर्म पुट 3h प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज h इक्वल टू माइनस 1/3 इन किस में 2 में। आपको सेकेंड डिग्री का टर्म हटाना है तो इसके कोफिशियंट को क्या करना पड़ेगा 0, यानी कि 3h प्लस 1 इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू हो गया माइनस 1/3 और इसका मान आपको क्या करना है तो सेकेंड में रखना है। तो देखिए तो कितना हो जाएगा बोलिए तो y क्यूब, ये तो आपका खत्म ना हो जाएगा, ये आपका हो गया y 3 और h के जगह पे क्या रखिएगा माइनस 1/3, तो 1/9 हो जाएगा
अब प्लस टू एस के जगह पे माइनस वन बाय थ्री माइनस सिक्सटीन प्लस एस के जगह पे आपका माइनस वन बाय थ्री तो माइनस एक बटे कितना हो जाएगा सत्ताईस एच स्क्वायर यानी एक बटे नौ माइनस सोलह इंटू माइनस वन बाय कितना थ्री और आपका प्लस हो गया ट्वेंटी इक्वल टू आपका हो गया जीरो समझ गए इक्वल टू आपका हो गया जीरो ये तो तीन बार में कटा ना तो वाई क्यूब प्लस देखिएगा तो आपका कितना हो गया वाई यहां पर आपका थ्री हो गया एलसीएम यहां पर कितना वन माइनस टू और सोल दिया कितना अड़तालीस ठीक है और प्लस ये वही ना किए जी माइनस टू ही तो होगा माइनस टू ही होगा नहीं होगा सत्ताईस यहां पर एलसीएम ले लीजिए माइनस एक नौ ये सत्ताईस ये माइनस गुनी माइनस प्लस ना ये नौ सोलह नवा चौवालीस हाँ या नहीं दी प्लस प्लस जीरो सात दुनी चौदह का चार हाथ करा एक दो दुनी चार एक पांच इक्वल टू आपका हो गया जीरो क्यों कहीं गड़बड़ लग रहा है क्या है कहीं गड़बड़ नहीं है आप देखे तो कितना हो गया वाई क्यूब माइनस अड़तालीस माइनस दो माइनस पचास एक गया उनचास माइनस फोर्टी नाइन बाय थ्री वाई और फिर ये देखिए कितना हो गया इसको जोड़िए तो जीरो और चार 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 तीन सात सात से एक गया छ और चार 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 आठ और पांच एक छ और बटे में कितना हो गया सत्ताईस इक्वल टू जीरो समझ गए इतना इक्वल टू आपका क्या हो गया जीरो और अब इसमें से आप देखिए सेकेंड टर्म आपका सेकेंड डिग्री टर्म आपका खत्म हो गया इसका नाम आप ले लीजिए इसका नाम आप ले लीजिए थर्ड नंबर और यहां पर फिर आपको लेट करना पड़ेगा लेट y इक्वल टू एम प्लस एन समझिए y इक्वल टू आपका कितना हो गया m प्लस एन और अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड्स क्यूबिंग बोथ साइड्स तो दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा दोनों तरफ क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा वाई क्यूब बराबर एम प्लस एन का क्यूब यानी कि वाई क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस कितना हो गया आपका बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और इंटू ए प्लस बी इंटू आपका कितना हो गया ए प्लस बी यानी कि y क्यूब हाँ इक्वल टू एम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस थ्री एम एन और m प्लस एन तो फिर आपका y के बराबर हो गया ना किसके बराबर हो गया y के बराबर इसका आप नाम भी दे दीजिए चार ये हो गया y समझ गए कितना आपका हो गया y और इसको आप एक तरफ कर लीजिए एक तरफ कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा वाई क्यूब माइनस थ्री एम एन वाई माइनस एम क्यूब प्लस एन क्यूब इक्वल टू जीरो समझ गए इतना हो गया और इसका नाम आप दे दीजिए पांच नंबर समझ गए इसका नाम आप क्या दे दिए पांच नंबर और अब जो है अब आपको तीन और पांच में कंपेयर कर देना है तीन और पांच को कंपेयर करके वैल्यू निकालना है कंपेयरिंग थ्री एंड फाइव तो लिखिएगा कंपेयरिंग थ्री एंड फाइव तो देखिए तो y क्यूब के बाजू में एक है y क्यूब के बाजू में एक है छोड़ दीजिए यहां y के बाजू में माइनस थ्री एम एन माइनस थ्री एम एन और यहां पर y के बाजू में है माइनस फोर्टी नाइन बाय थ्री और यहां आपका कितना है यहां पर है माइनस एम क्यू प्लस एन क्यू और इस जगह पे कितना है आपका तो सिक्स एट सिक्स बाय ट्वेंटी सेवन आया नहीं यही आपका दिया हुआ है तो देखिए तो आप क्या कीजिएगा ये माइनस माइनस कैंसिल तो एम एन इक्वल टू फोर्टी नाइन बाय कितना तीन तिहाई नौ और यहां से माइनस उधर भेज दीजिए तो एम क्यूब प्लस एन क्यूब बराबर हो गया माइनस सिक्स एट सिक्स बटे
27 कितना आ गया। अब जो है कि क्या करना है, अब आपको m और n का मान निकालना है यहां से, समझ गए, आपको क्या करना है m और n का मान निकालना है। तो ऐसा कीजिए कि यहां पर लिख सकते हैं एम क्यूब माइनस एन क्यूब का होल स्क्वायर बराबर। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका इस प्रकार से होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, हाँ या नहीं, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां पर हो जाएगा एम क्यूब प्लस एन क्यूब का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, यानी कि एम क्यूब और कितना हो गया एन क्यूब, एम क्यूब और एन क्यूब। अब देखिए इसका वैल्यू कितना निकला हुआ है, माइनस 686 बाय 27 का होल स्क्वायर माइनस 4 और mn, mn का वैल्यू कितना निकाला है 49/9, तो ये आपका हो गया 49/9 का कितना पावर में 3, समझ गए, पावर में 3। अब देखिए अब आपका कितना हो गया, तो अब इसको सॉल्व कीजिए कहीं पे, आप लोग जरा सा फटाफट गुना करके बताइए तो कितना होगा, 6x, मोबाइल में फटाफट गुना कीजिए, 686 इंटू 686 दो बार गुना कीजिए, अरे मोबाइल में फटाफट करते, 686 इंटू 686 कितना हो गया, 686 इंटू 686 वैसे 4,00,000-5,00,000 नहीं पूछने में आएगा, नंबर बोली, नंबर 470 और 27 गुना 27 कीजिए, 729। ये तो माइनस की स्क्वायर प्लस हो गया है ना, फिर जो है देखिए अब आप गुना कीजिए, फिर क्या कीजिए 49 को 49 से गुना कीजिए, तीन बार 49 इंटू 49 इंटू 49 उसको फिर 4 से गुना कीजिए, 470596 सेम चीज आया ना, 470596 और 9 को 3 बार गुना कीजिए, 9 × 9 × 9 729। कहने का मतलब है फाइनली ये भाई सब कट के कितना हो गया 0, आया नहीं, ये कट के 0 हो गया। आप इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका क्या आ गया, यहां से आपको क्या मिला, आपको मिला है इस प्रकार से एम क्यूब माइनस एन क्यूब का होल स्क्वायर बराबर कितना मिला 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, देयरफोर एम क्यूब माइनस एन क्यूब बराबर कितना आपका हो गया 0, ठीक। और एक पहले आपका दिया हुआ है एम क्यूब प्लस एन क्यूब बराबर माइनस 686/27, ये आपका पहले ही दिया हुआ है, एंड एम क्यूब प्लस एन क्यूब बराबर कितना है बोलिए, तो ये आपका है 687 माइनस में माइनस 686/27, एड कर दीजिए, एडिंग कीजिएगा तो एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2m क्यूब बराबर माइनस, ये तो 0 है ना, फर्क नहीं पड़ेगा, 286/27 मिलेगा, ये कट जाएगा 343, यानी कि m क्यूब बराबर कितना हो गया माइनस 343/27। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस 3 × 9 × 27 यानी बटे में 3, अच्छा 7 × 3 कीजिए तो देखिए कितना होगा, 7 × 49 × 49 = 343, समझ गए। तो अब एम क्यू बराबर कितना हो गया माइनस 7/3 का होल क्यूब, लिखिएगा 100
थ्री वैल्यूज ऑफ एम विल बी, एम का तीन वैल्यू क्या होगा, तो एम वन बराबर आपका हो जाएगा, समझ गए, माइनस सेवन बाय थ्री, एम टू बराबर माइनस सेवन बाय थ्री और एम थ्री बराबर माइनस सेवन बाय थ्री। तो ये आपका क्यूबिक रूट जो है ना, ये आपका इमेजिनरी में मिलेगा। तो एक के साथ आपको वन लगा देना है, एक के साथ ओमेगा और एक के साथ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक से गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर आप ओमेगा लगा दीजिए और इसके साथ क्या लगा दीजिए, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। और आपको तो वैल्यू एन का भी निकालना है। अब देखिए लिखा हुआ है, चूंकि एम एन बराबर क्या लिखा हुआ है, तो एम एन बराबर आपका है कितना, तो 49 बाय 9 है या नहीं, कितना 49 बाय 9, ठीक है, एम एन बराबर है 49 बाय 9। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो एम का वैल्यू कितना रखिएगा, एम का वैल्यू आप रखिएगा, समझ गए, यदि माइनस सेवन बाय थ्री रखते हैं तो 49 बाय कितना हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 7 × 7 = 49 और 3 × 3 कितना 9। कहने का मतलब है कि n बराबर माइनस सेवन बाय थ्री हो गया, इसको n1 मान लीजिए, और n2 बराबर माइनस सेवन बाय थ्री ओमेगा हो जाएगा, तो सेकेंड निकालिएगा ना, आपका ओमेगा मिल जाएगा और n3 आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस सेवन बाय थ्री और कितना, बल्कि ये ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा ओमेगा, समझिए कितना हो जाएगा आपका, नहीं एक ओमेगा स्क्वायर और एक वन, एक ओमेगा और कितना हो जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि यहां पर आप सेकेंड में ओमेगा रखिएगा ना, तो ओमेगा आपका नीचे आ जाएगा, हाँ या नहीं, चलिए आपको निकाल के ही दिखा देते हैं, ठीक है, चलिए एन वन बराबर आपका कितना हो गया, माइनस सेवन बाय कितना हो गया थ्री, ठीक है। यह मान लीजिए कि आप यहां पर n है ना, इसको n1 मान लीजिए, तो माइनस सेवन बाय थ्री हो गया, और फिर जो है इसको आप क्या कीजिए, m के जगह पे आप क्या ले लीजिएगा, m1 ले लीजिए, m के, क्योंकि आपका रूट से ना है, m का रूट से m1 m2 m3, इसीलिए आपका m के जगह n1 रख लीजिए और n के जगह n1 रख लीजिए। अब देखिए तो फिर रखिए तो m2 n2 बराबर कितना 49 बाय 9 है या नहीं, तो m2 के जगह पे आप क्या रखिएगा, माइनस सेवन बाय थ्री ओमेगा इंटू एन टू इक्वल टू 49 बाय 9, ये आपका कितना बार में, 7 बार में, ये 3 बार में कटेगा, तो n2 बराबर माइनस, समझ गए, 7 बाय 3 और नीचे आपका कितना हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा क्यूब से गुना कर देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, और इस प्रकार से आपका कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि n2 बराबर माइनस 7 बाय 3 आपका कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये आपका हो गया कितना n1, ये आपका हो गया n2, और इसी प्रकार से जब निकालिएगा ना, तो n3 बराबर माइनस 7 बाय 3 और ये ओमेगा हो जाएगा, समझिए ये कितना आपका हो जाएगा ओमेगा, ठीक। तो इस तरह से m1 के लिए आपको n1 मिला, m2 के लिए आपको n2 मिला और m3 के लिए आपको n3 मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी जरूरत फिलहाल तो नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, इसीलिए आपका y के वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखिएगा सो कोरेस्पोंडिंग टू दिस वैल्यूज, corresponding to these values, the value of y is given by, y बराबर आप क्या लिए थे, m plus n, तो y1 बराबर m1 plus n1, हाँ या नहीं, तो m1 आपका कितना है माइनस सेवन बाय थ्री और एन वन कितना है
ये भी आपका माइनस 7/3 समझ गए। तो कितना हो गया बोलिए तो माइनस 14/3 वाई टू बराबर इधर ले लीजिए आप एम टू माइनस 7/3 ओमेगा और ये आपका कितना हो गया तो माइनस 7/3 ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस 7/3 आप ले लीजिए कॉमन तो 1 प्लस कितना होगा 1 नहीं बल्कि ओमेगा प्लस कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है या नहीं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1 है या नहीं। आपका कितना हो जाएगा माइनस 7/3 माइनस 1 यानी कि आपका हो गया 7/3 और आपका जो है ओमेगा वाई थ्री इक्वल टू कितना हो गया तो वाई थ्री इक्वल टू हो गया यहां पर एम थ्री कितना है माइनस 7/3 ओमेगा स्क्वायर और एम थ्री आपका माइनस 7/3 ओमेगा बिल्कुल सेम चीज हो गया ना हुआ कि नहीं। और ये भी कितना हो जाएगा 7/3 यानी कि y का 3 वैल्यू मिल गया दैट इज y1 बराबर हो गया माइनस 14/3 y2 इक्वल टू कितना हो गया 7/3 और y3 इक्वल टू आपका हो गया 7/3। बट एक बात बोलिए कि आपका y बराबर कितना है x माइनस x है या नहीं। देख लीजिए हम लोग जो शुरू में ही निकाले थे y बराबर कितना निकाले थे ये तो y के वैल्यू मिला ना आपको वैल्यू किसका निकालना है x का तो y बराबर x माइनस h है तो x बराबर कितना हो गया y प्लस h यानी कि बल्कि y बराबर हमने दीजिए क्योंकि हम लोगों को जो है ये कितना हो गया बोले तो x y प्लस h हो गया ना यानी कि y प्लस h s का मान देखिए तो क्या निकाले थे हम लोग माइनस 1/3 एस का मान क्या निकाले थे माइनस 1/3 यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया वाई माइनस 1/3। आपको वाई का नहीं बल्कि वैल्यू किसका चाहिए एक्स का लिखिएगा देयरफॉर एक्स वन बराबर कितना हो जाएगा वाई वन तो वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस 14/3 माइनस 1/3 एक्स टू बराबर कितना वाई टू आपका है 7/3 माइनस 1/3 और x3 बराबर कितना y3 यानी कि 7/3 माइनस 1/3 तो हाँ 14 × 15/3 यानी कि माइनस 5 हो गया 7 × 1 = 6/3 2 और ये भी आपका कितना हो गया 2 दैट इज x1 इक्वल टू हो गया माइनस 5 x2 इक्वल टू 2 x3 इक्वल टू कितना 2 और यही जो आपका इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। This is the required solution. आपको परीक्षा में एक बार वेरीफाई कर लेना है जैसे बताइए कि इक्वेशन क्या है ये वेरीफाई आपने मुझे नहीं करना है ये एग्जामिनर को दिखाना नहीं है बोलिए क्या है x³ + x² - 16x + 20 = 0 जैसे कि हल्का वाला वैल्यू रख दीजिए 2 वाला रखिए 2 × 3 = 8 है या नहीं 2 × 4 = 16 × 32 + 20 देखिए तो 8 × 4 = 12 तो 0 = 0 हो गया ना यानी कि आपका 2 वेरीफाई कर लिया। अब आप वेरीफाई कीजिए क्या माइनस 5 तो 25 × 25 = 100 125 + 25 = 16 × 80 + 20 ये 125 कहने का मतलब 0 = 0 हुआ ना तो वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये वेरीफाई आपको अपने लिए करना है कि आप जो बनाए वो सही है कि नहीं है समझ गए। तो इस प्रकार से आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आपको बताए होप कि आपको समझ में आया होगा कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी तो आप इसको नोट कीजिए। तो ग्रुप ए में मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दिया एक क्वेश्चन में आपको बताया सेट थ्योरी से और 2 क्वेश्चन में आपको बताया थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से मैं ग्रुप बी से आपको 1 क्वेश्चन बताऊंगा तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गया और ग्रुप सी से मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा तो 7 क्वेश्चन टोटल मैं आपको 7 क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा आप इसको नोट कीजिए।
प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग इस सेशन में बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट वन पेपर वन ग्रुप बी क्वेश्चन बैंक 2018 तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए पढ़ाई करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप बी से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप सी से मैं आपको तीन क्वेश्चन बताऊंगा, और ऑलरेडी मैं ग्रुप ए से तीन क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, यानी कि टोटल आपका 7 क्वेश्चन की मैं तैयारी करवाऊंगा। क्वेश्चन तो आपका 12 पूछता है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि 12 क्वेश्चन नहीं, आप मैक्सिमम 7 क्वेश्चन ही तैयारी करके जाइएगा, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, ताकि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। ज्यादा पढ़ने से क्वेश्चन छूटने की संभावना ज्यादा रहती है, काम भर पढ़िए क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए क्या है, कहता है कि डिफाइन ए ग्रुप एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स देन प्रूव दैट जी इज अबेलियन। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ग्रुप को डिफाइन करना है। एक एक लाइन पढ़िएगा, सबसे पहले क्या करना है, तो ग्रुप को डिफाइन करना है। तो आइए ग्रुप को डिफाइन कीजिए। सॉल्यूशन क्या होता है, ग्रुप का डेफिनेशन, ग्रुप लेट जी बी ए नन एम्प्टी सेट एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन देन जी टुगेदर विथ रिटेन एज जी ओ इज सेड टू बी ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई डी फॉलोइंग कंडीशंस। क्या लिखे कि आपका जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ओ आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी बाइनरी ऑपरेशन ओ के साथ लिखने का तरीका है जी ओ को हम लोग ग्रुप कहेंगे, यदि ए इस कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या है, चार कंडीशन है वो। पहला कंडीशन आपका है इस प्रकार से, जीवन पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन होता है क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ, हाँ क्लोजर लॉ आपका होता है, हाँ क्या होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी belongs to G, A B belongs to G, यानी कि यदि, या ऐसा लिखिएगा, if लिखिए, if ज़्यादा अच्छा रहेगा, if A B belongs to G implies A B belongs to G, यानी कि A आपका G का अलग से एलिमेंट है, B आपका G से अलग एलिमेंट है G का, तो A और B इसके बीच में आपका ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन है, यही बाइनरी ऑपरेशन है, वो भी आपका इसी सेट का होना चाहिए, यानी यही जी का होना चाहिए, समझ गए, पहला हो गया। फिर आपका है नंबर जी टू, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी then A
बाइनरी ऑपरेशन दे दीजिए यहाँ पर, ए बाइनरी ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। समझिए बीच में आप बाइनरी ऑपरेशन नहीं देते हैं तब भी यही समझ में आता है कि बीच में बाइनरी ऑपरेशन आपका है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नियम कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। फिर आपका हो जाता है जी थ्री, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ओ ई इक्वल टू ई ओ ए इक्वल टू ए, यानी कि आपका हर ए के लिए जो भी जी में एलिमेंट है उसके लिए एक एलिमेंट जी में इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि ए ओ ई, यानी कि उस एलिमेंट पे आप ई के साथ ऑपरेशन लगाइए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। समझिए हेयर हेयर ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। जी फोर आपका हो जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट, किस प्रकार से कि ए ओ ए डैश इक्वल टू ए डैश ओ ए इक्वल टू ई, ई का मतलब आइडेंटिटी, ई का मतलब क्या हो गया आइडेंटिटी, यानी कि ए ए डैश ए बीच में आपका ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है इक्वल टू कितना होना चाहिए आइडेंटिटी। यहां पर ए डैश को ए का हम लोग कहते हैं इनवर्स। हियर ए डैश इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, एडेस को हम लोग क्या कहते हैं ए का इनवर्स, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज फॉलो करता है तो हम लोग जी को क्या कहेंगे ग्रुप, समझ गए। ये चार प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो क्या कहेंगे ग्रुप कहेंगे, ठीक। यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपका एक जगह लिखा हुआ है अबेलियन का भी नाम दिया हुआ है, समझ गए। एक जगह अबेलियन का नाम है, एक प्रॉपर्टीज और जोड़ दीजिएगा कि अबेलियन हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप अबेलियन भी लिख दीजिए क्योंकि इसका प्रूफ बहुत छोटा है, जो क्वेश्चन है ना इसका प्रूफ बहुत छोटा है, और छोटा प्रूफ रहे तो आपको 8 में 8 नंबर लाने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई पेज की बढ़ानी ही पड़ेगी। यदि दो ही पेज में लिख दीजिएगा तो 8 नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए यदि कोई क्वेश्चन छोटा हो तो उसका लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उसको डिफाइन कीजिए, समझिए क्या कीजिए उसको डिफाइन कीजिए। तो बेहतर है कि अबेलियन का नाम आया है तो एक बार अबेलियन भी लिख देते हैं, ठीक है। अब लिखिए हैं अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, इस चार के अलावे एक आपका कमोटेटिव लॉ होना चाहिए, समझिए। इफ हाँ if we add one more, if we add one more conditions if we add one more condition to the above then the group is said to be abelian group and that condition is false। और वो condition आपका क्या है,
तो वो कंडीशन आपका G5 है, G5 यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। परीक्षा में हमेशा अपनी ही भाषा में आपको जवाब देना है, बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करना है, समझ गए? ये जो लिख रहे हैं बिल्कुल ही अपनी भाषा है, बुक का भाषा बिल्कुल ही नहीं है, और आपको यही फॉलो भी करना है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए, समझ गए? ए ओ बी किसके बराबर होनी चाहिए? बी ओ ए के बराबर, तब ये ग्रुप क्या कहलाएगा? अबिलियन ग्रुप। क्या कहलाएगा? अबिलियन ग्रुप। इसको नोट कीजिए, फिर देखिए अभी जो एक प्रूफ करना है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स देन प्रूव दैट जी इज अबिलियन। अभी ये बाकी है, इसको अभी सिद्ध करते हैं। देखिए अब हम लोगों को क्या दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स देन जी इज अबेलियन। अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या लेकर चलना है। हाँ लिखना है, हाँ टू शो एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स देन जी इज अबेलियन, ऐसे लिखिएगा। नाउ टू शो, ऐसे लिखिए, नाउ टू शो every element of a group G is abelian. For this, we proceed as follows. अब इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम लोग कैसे बढ़ेंगे, तो इस तरह से बढ़ेंगे। Let A B belongs to G. क्या मान लिया कि ए और बी कहां पर है? जी में है। अबेलियन दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना है कि ए बी और बी ए बराबर हो जाए, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ हो। हाँ या नहीं? ए बी और बी ए कितना होना चाहिए? बराबर, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए। ठीक, अब देखिए जी में जो भी है कहता है कि उसका इनवर्स खुद ही है। नहीं, क्या लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ऑन इनवर्स। जी में कोई भी एलिमेंट है तो अपने आप का इनवर्स भी है। ठीक, इंप्लाइज ए इनवर्स बराबर ए हो जाएगा और बी इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा? बी, क्योंकि ए अपने आप का इनवर्स है और बी अपने आप का इनवर्स है। ठीक है, अब देखिए नाउ अब क्या लेके चलिए कि ए बी, ऐसे लिख चलिएगा, नाउ ए बी बिलोंग्स टू जी सिंस क्लोजर लॉ होल्ड्स। ए किसमें है? ए किसमें है? जी में है। बी किसमें है? जी में है। जी एक ग्रुप है तो जी में तो आपका क्लोजर लॉ होता है, इसलिए ए बी भी कहां होगा? जी में। अब कहता है ए बी जी में होगा तो जी में जितने भी एलिमेंट है उसके इनवर्स भी उसी में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज ए बी का इनवर्स किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर। किसके बराबर? ए बी के बराबर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। ए बी इनवर्स किसके बराबर? बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर कितना हो गया? ए बी। और बी इनवर्स किसके बराबर है? बी के बराबर। ए इनवर्स किसके बराबर है? ए के बराबर। कितना हो गया? ए बी, यानी कि बी ए बराबर ए बी। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या क्या होल्ड किया, समझ गए? कम्यूटेटिव लॉ क्या क्या होल्ड किया, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स।
अब जी एक ग्रुप है और उसमें कम्यूटेटिव वाला होल कर दिया, तो जी कौन सा ग्रुप हो गया? अबेलियन ग्रुप। लिखेगा एंड सो जी इज एन अबेलियन ग्रुप, इसीलिए जी आपका क्या हो गया, तो जी आपका हो गया अबेलियन। इसको लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है 6 का भी, टू प्रूव दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी, या द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्सेस टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, दोनों का मतलब एक ही है और इसका प्रूफ बहुत ही छोटा होता है। तो छोटे प्रूफ पे आप कैसे एज्यूम करते हैं, कैसे मानते हैं कि आपको 8 में 8 नंबर मिलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन। बढ़ाने के लिए देखिए क्या क्या कीजिएगा, इससे रिलेटेड टर्म्स को डिफाइन कर दीजिए। जैसे कहीं ना कहीं ग्रुप का नाम लिखा हुआ है तो बेहतर है कि एक बार फिर से आप ग्रुप को लिख दीजिए। ग्रुप लिखिएगा तो उसमें इनवर्स और आइडेंटिटी तो आ ही जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, इनवर्स की भी बात कर रहा है तो ग्रुप का जैसे डेफिनेशन लिखिएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो कम से कम एक पेज तो ग्रुप का डेफिनेशन लिखने में हो गया है या नहीं, और एक दो पेज में इसका प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ को आपको बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि छोटा प्रूफ है तो उससे रिलेटेड टर्म को आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी फुल मार्क्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। प्रूफ आप चाहें तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन का भी डेफिनेशन घुसा सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है, समझिए। इससे बड़ा थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा, एग्जामिनर खुश होकर 8 में 8 नंबर दे देगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए बी जी में, ठीक, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी कहां पर है, जी में, लेट ए इनवर्स बी इनवर्स ऑफ ए एंड बी इनवर्स बी इनवर्स ऑफ बी। क्या माने कि ए इनवर्स ए का इनवर्स है और बी इनवर्स बी का इनवर्स है, हम लोगों को यह चीज दिखाना है। तो आइए नाउ, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर क्या होगा, इसको हम लोग यहां पर कम, चूंकि एक ग्रुप है तो ग्रुप में आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, समझ गए। ग्रुप में कौन सा लॉ फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ। ग्रुप है तो आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। तो आइए एसोसिएटिव लॉ यहां पर हम लोग लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ए बी बी इनवर्स और कितना लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ए बी बी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर है, यानी बी बी इनवर्स किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर, और आपका हो गया कितना, ए इनवर्स, ठीक। और आइडेंटिटी किसी एलिमेंट को कोई फर्क नहीं डालता है, ए ए इनवर्स हो गया और ए इनवर्स किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर। कहने का मतलब है ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर आपका हो गया ई, इसको एक नंबर मान लीजिए। अगेन यहां पर लिख दीजिएगा बाय एसोसिएटिव लॉ, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाय एसोसिएटिव लॉ, समझ गए, यहां पर लिख दीजिएगा बाय आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो अब देखिए तो क्या हो गया, अब यहां पर अगेन बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी,
बराबर बी इनवर्स एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए, ए इनवर्स ए बी, हाँ या नहीं? किस नियम से? बाय एसोसिएटिव लॉ से, बी इनवर्स और फिर आपका ए इनवर्स ए किसके बराबर हो जाएगा? तो आइडेंटिटी के बराबर, बराबर बी इनवर्स बी और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी बराबर ई, इसको दो मान, ये दोनों आइडेंटिटी के बराबर है तो क्या मिलेगा? वन एंड टू इंप्लाइज, वन एंड टू इंप्लाइज ए बी, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए बी इक्वल टू बी ए बराबर ई, ए बी के इनवर्स कहलाता है और बी ए के इनवर्स कहलाता है, यानी कि ए बी के इनवर्स कितना हो गया? बी इनवर्स ए इनवर्स, इंप्लाइज आप क्या लिख सकते हैं? ए बी के इनवर्स बराबर कितना? बी इनवर्स ए इनवर्स, और यही आपका क्या हो गया? आप ही बताइए कि देख लीजिए कि कितना छोटा में बन गया है ना। तो यदि आप ग्रुप का ग्रुप को यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा, या जरूरी पड़े तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन भी, कम से कम तीन चार पेज होगा तो फुल नंबर दे दे, इसको आप नोट कीजिए। देखिए ग्रुप सी में दो बुक से क्वेश्चन पूछता है, एक आपका रहता है मैट्रिक्स अलजेब्रा जिससे दो क्वेश्चन रहेगा, और एक रहता है आपका ट्रिग्नोमेट्री जिससे दो क्वेश्चन रहेगा, और हम लोग ग्रुप सी से तैयारी करेंगे दो क्वेश्चन का, समझ गए? कितना क्वेश्चन का? दो क्वेश्चन का तैयारी करेंगे ग्रुप सी से, मैट्रिक्स अलजेब्रा का दोनों क्वेश्चन हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा हुआ है। कहता है कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये थ्योरी है, प्रूफ। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, देन ए बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए बाय टू प्लस ए ट्रांसपोज बाय टू प्लस ए बाय टू माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू, क्योंकि ए बाय टू मिलके तो ए हो गया, और ए ट्रांसपोज बाय टू ए ट्रांसपोज बाय टू ये दोनों क्या हो जाएगा? एक प्लस में है और एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है इस प्रकार से हो गया, ए इक्वल टू वन बाय टू कॉमन, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस वन बाय टू कॉमन, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग क्या मान लिए? एक्स, और इधर वाले को क्या मान लिए? वाई। हाँ, वेयर वेयर x इक्वल टू वन बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड y इक्वल टू वन बाय टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, समझिए आप यहां पर लिख दीजिए ए। हम लोगों को क्या दिखाना है? दिखाना है कि इसमें x आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और y आपका है एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ गए?
एक्स क्या दिखाना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वाई दिखाना है एक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए नाउ एक्स ट्रांसपोज बराबर कितना हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1/2 ट्रांसपोज अंदर घुसा दीजिए ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि 1/2 ए ट्रांसपोज और डबल ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाता है यानी कि एक्स ट्रांसपोज बराबर किसके बराबर हो गया एक्स के बराबर और यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लिखिएगा देयरफॉर एक्स इक्वल टू आपका 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपका हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वाई लेकर चलिए वाई को एक्स को सिमेट्रिक दिखाना है y इक्वल टू 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज है दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लीजिए तो y ट्रांसपोज बराबर 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज y ट्रांसपोज बराबर 1/2 a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज y ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज वही हो गया माइनस कॉमन ले लीजिए a माइनस a ट्रांसपोज यानी कि y ट्रांसपोज बराबर ये किसके बराबर है y के बराबर और आपका निगेटिव में आया तो आपका क्या हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर y इक्वल टू हां आपका 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज इज ए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है दैट इज आपका ए बराबर क्या हुआ ए बराबर आपका है एक्स प्लस वाई ना ए बराबर एक्स प्लस वाई तो ए बराबर देखिए तो एक्स आप क्या निकाले एक्स आप निकाले सिमेट्रिक मैट्रिक्स से और वाई आप क्या निकाले वाई आपका है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब प्लस वाई हो गया आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझिए यानी कि बोल रहा था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखाइए कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ में लिख सकते हैं तो हम लोग दिखा दिए हाँ या नहीं और ये क्या कहता है कि बोलता है कि दिखाइए कि रिप्रेजेंटेशन आपका यूनिक होना चाहिए क्या होना चाहिए यूनिक यानी कि ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन संभव नहीं है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अब यूनिकनेस के लिए सॉल्व करेंगे किसके लिए यूनिकनेस के लिए फोर हाँ यूनिकनेस इफ पॉसिबल लेट a बराबर p प्लस q दो नंबर यदि संभव है तो मान लिए कि a बराबर p प्लस q है जहां पर p आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि हम a को और किसी और प्रकार से लिख सकते हैं तो p आपका क्या हो जाएगा सिमेट्रिक और q आपका हो जाएगा एस्क्यू सिमेट्रिक समझ गए वेयर P is symmetric matrix and Q is SQ symmetric matrix. That is P का transpose किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर और Q का transpose किसके बराबर हो जाएगा Q के बराबर है या नहीं Q के बराबर नहीं बल्कि माइनस Q के बराबर क्योंकि P तो सिमेट्रिक है ना तो P का ट्रांसपोज P के बराबर Q आपका एस्क्यू सिमेट्रिक है तो Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर ठीक। अब देखिए अब क्या कीजिए अब टू इंप्लाइज अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए
ए ट्रांसपोज बराबर पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज बराबर पी ट्रांसपोज प्लस क्यू ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज बराबर पी ट्रांसपोज पी के बराबर है, क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर है, और इसको आप क्या कीजिए, तो इसको मान लीजिए तीन नंबर, समझ गए। और अब देखिए दो और तीन को जोड़ दीजिए, टू प्लस थ्री इंप्लाइज क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो टू पी बराबर क्या मिलेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि p बराबर a प्लस a ट्रांसपोज बटे में कितना हो जाएगा 2, और a प्लस a ट्रांसपोज बटे 2 ये आपका किसके बराबर है, ये आपका है x के बराबर, यानी कि फाइनली p किसके बराबर हो गया, x के बराबर, समझ गए, p आपका हो गया x के बराबर, हाँ या नहीं। और इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, तो आप जो है घटा दीजिए, 2 माइनस 3 इंप्लाइज, तो a माइनस a ट्रांसपोज बराबर इस पर आपका p कट जाएगा, समझ गए, क्या कट जाएगा p, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, आपका 2q हो जाएगा, यानी कि 2q कहने का मतलब है q इक्वल टू 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, और a माइनस a ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये आपका है किसके बराबर, y के बराबर, यानी कि दैट इज q बराबर कितना हो गया y, p बराबर x और q बराबर y, p बराबर कितना हो गया x, समझ गए, p बराबर x और q बराबर y, हम लोग तो p q अलग लेके चले थे ना, लेकिन फाइनली p किसके बराबर हो गया, x के बराबर, और q किसके बराबर, y के बराबर, यानी कि रिप्रेजेंटेशन आपका यूनिक है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन is u, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x4 ऑर्डर का है, और हम लोगों को क्या निकालना है, रैंक, यहाँ पर लिखा नहीं है किस मेथड से निकालना है, तो रैंक निकालने का तीन मेथड होता है, एक डायरेक्ट आपका है डिटरमिनेंट मेथड, लेकिन वो 3x3 तक ही हम लोग उससे निकालते हैं, 4x4 का मुश्किल हो जाएगा, फिर एक आपका होता है इचलन मेथड, और एक आपका होता है नॉर्मल फॉर्म, यानी कि कैनोनिकल फॉर्म, समझ गए, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि आपको रैंक इचलन फॉर्म से निकालना है या नॉर्मल फॉर्म जिसका दूसरा नाम है कैनोनिकल फॉर्म, तो इसको आप इचलन फॉर्म से ही निकालिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या बोले, हाँ जीरो है, इतना आसानी से आपका 3x, जब 3x3 से ज्यादा रहे तो आप मत निकालिए डायरेक्ट मेथड से, समझ गए, वो आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में रैंक पूछता है ना, उससे उसको निकालिए, इसमें निकालिएगा मार्क्स नहीं देगा आपको, तो हम लोग निकालेंगे इचलन फॉर्म से, समझ गए, इचलन फॉर्म से निकालने के लिए क्या तरीका है, सोल्यूशन, इचलन फॉर्म हम लोग निकालेंगे, इचलन फॉर्म से, इचलन मेथड से, ए बराबर क्या दिया हुआ है 2411 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 0001 6232। सबसे पहला काम क्या है कि आप इचलन मेथड में क्या होता है कि डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट को कितना लाइए, जीरो, जितना मैक्सिमम आप जीरो ला सकते हैं, समझ गए, जितना मैक्सिमम आप जीरो ला सकते हैं, और इसमें से यदि कोई रो आपका जीरो हो जाए, कंप्लीट जीरो हो जाए, तो इसके ऑर्डर से आप उसको माइनस कर देते हैं, वही मिल जाता है रैंक। इसका यदि पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे उपलब्ध है,
मेरा प्रभाकर सर का वीडियो उसमें देखिएगा, मैट्रिक्स अलजेब्रा में मैं काफी डिटेल में बताया हूं। इस जगह पे एक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना यह है कि R1 को चेंज कीजिए R1 इनटू जितना है उसी से आप क्या कीजिए भाग दे दीजिए, समझ गए, जितना है उसी से आप क्या कीजिए भाग दे दीजिए। तो दो है तो दो से भाग दे दिए तो क्या मिलेगा बोलिएगा, तो ये इक्विवेलेंसी का साइन है, दो से भाग दे दीजिए वन माइनस वन जीरो थ्री और ये आपका हो गया फोर टू जीरो टू, वन माइनस वन जीरो थ्री, फिर आपका हो गया वन माइनस टू वन टू, ठीक है इतना आ गया। अब आप जहां कहीं भी एक लाए हैं उसके नीचे आपको क्या लाना है जीरो, उसके नीचे आप जीरो लाइए। तो देखिए आपको क्या करना है, तो ये आपका R2, R3, R4, यानी कि आपको चेंज करना है R2, आपको चेंज करना है R3 और आपको चेंज करना है R4। यहां पर जीरो लाने के लिए इसमें चार से गुणा करके माइनस करना पड़ेगा, यानी कि R2 में जीरो लाने के लिए R1 में किससे गुणा कीजिए चार से और माइनस कर दीजिए, ये तो सिंपली घटा दीजिएगा ना, तो R3 में क्या घटाइएगा R1 और R4 में क्या घटाइएगा R1, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा जीरो। देखिए R2, तो R2 को कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 में आप R1 में किससे गुणा कर रहे हैं चार से और फिर आप माइनस कर रहे हैं, तो क्या कीजिए कि आप जो है ना यहां पर अपने सुविधा के लिए लिख दीजिए चार 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 चार, क्योंकि आप चार से गुना करके माइनस कीजिएगा ना, तो देखिए चार एकम कितना हो गया चार, चार से चार गया जीरो, यानी कि ये आपका कितना मिलेगा, पहले ऊपर लिख दीजिए वन माइनस वन जीरो थ्री, अब देखिए क्या मिला, चार एकम चार, चार से चार गया कितना हो गया जीरो, चार कम चार ये माइनस चार ना हो गया, और दो से माइनस चार घटाइएगा आपका हो जाएगा छ, ये चार गुना जीरो तो जीरो, जीरो से जीरो घटाइएगा आपका हो गया जीरो, ये चार की यही बारह और दो से बारह घटाइएगा माइनस दस, और ये तो सिंपली आप माइनस कर रहे हैं इसको आप हटा दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत आपकी हो चुकी है, इसको हटा दीजिए, एक से एक गया जीरो, माइनस एक से माइनस एक गया जीरो, जीरो से जीरो गया जीरो और तीन से आपका तीन गया आपका हो गया जीरो, फिर देखिए तो एक से एक गया आपका हो गया जीरो, माइनस दो से माइनस एक यानी कि प्लस एक यानी कि माइनस वन हो गया, एक से जीरो गया आपका हो गया एक और दो से आपका तीन गया तो माइनस एक हो गया, समझ गए माइनस एक हो गया, ठीक है। अब देखिए अब अगला स्टेप है इस जगह पे क्या लाना, वन लाना, इस जगह पे वन लाना। अच्छा एक चीज देखिए कि इसमें कंप्लीट जीरो हो चुका है ना, तो आप इसको नीचे ले जाइए, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप कीजिए इस प्रकार से क्या कीजिएगा, तो आर थ्री को चेंज कर लीजिए आर फोर से और आर फोर को R3 से क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 0 3 0 6 0 माइनस 10 ये ऊपर जाएगा तो 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 0 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि जब जिसमें भी मैक्सिमम 0 है उसको आप नीचे लेते आइए। और अब यहां पर आपको क्या लाना है 1, वन लाने के लिए आप क्या कीजिए, तो आप R2 को चेंज कीजिए और 6 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, समझ गए, 6 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, ये 1 माइनस 1 0 3 6 से भाग दीजिएगा 0 1 0 माइनस 5 बाय 3 हो जाएगा, ये 0 माइनस 1 1 माइनस 1 और ये आपका हो गया 0 0 जीरो जीरो, ठीक है इतना हो गया। अब देखिए अब जहां कहीं भी एक लाए हैं उसके नीचे आपको जीरो लाना है, तो जीरो तो आपको यहां पे लाना पड़ेगा,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा ये माइनस वन आपका जो है यहाँ पर आपको माइनस वन है ना, सिंपली जोड़ दीजिए, यानी कि आर थ्री को चेंज कीजिए, और कैसे चेंज कीजिएगा, आर टू को जोड़ दीजिए, समझ गए, आर टू को क्या करना है, जोड़ देना है, तो देखिए तो क्या मिलेगा, और नीचे ऑलरेडी जीरो है तो आर वन में कोई चेंजिंग नहीं, वन माइनस वन जीरो थ्री, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, जीरो माइनस फाइव बाय थ्री, अब देखिए इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, इस दोनों को जोड़िएगा एक, इस दोनों को जोड़िएगा तो माइनस फाइव बाय थ्री माइनस वन, तीन एकम तीन पांच तीन आठ, यानी कि माइनस एट बाय थ्री, और नीचे आपका कितना हो गया तो जीरो 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 जीरो, समझ गए, अब देखिए अब आपका क्या है, ये कोना कोनी तो एक आ चुका है, अब नीचे वाला तो जीरो आ चुका है, अब देखिए क्या आप इस जगह पे जीरो ला सकते हैं, इसको जीरो बना सकते हैं, तो इसको आप जीरो कतई नहीं बना पाइएगा, वो इसीलिए नहीं बना पाइएगा क्योंकि यहाँ तो आपका है ही नहीं ना, यहाँ पर जब जीरो बनाए ना, यहाँ जीरो को बनाने के बाद अब आपका स्टेप था यहाँ पर एक लाना, ये ऑलरेडी एक लाया हुआ है, एक लाने के बाद में अब इसके नीचे जीरो बनाना था, ये जीरो तो बन चुका है, यानी कि अब आपका कोई भी रो कंप्लीट जीरो नहीं बनेगा, therefore rank of A, जिसको रो A लिखेगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 4 क्रॉस 4, तो इसमें बताइए कि रो कितना था, 4 4 क्रॉस 4 ना, इसका ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 4, तो रो कितना है, 4 है, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज माइनस नंबर ऑफ रोज हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो, यानी कि वैसा रो जिसका सारा सदस्य क्या हो, जीरो, तो देखिए नंबर ऑफ रोज टोटल कितना है, 4, और ऐसा कितना रो मिला है जिसमें कि आपका कंप्लीट जीरो है, ऐसा एक मिला है, तो 4 माइनस 1, कहने का मतलब है कि रैंक कितना निकल गया, 3, यानी कि रैंक ऑफ ए, यानी कि रो ए बराबर आपका हो गया 3, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, आपको बता दें किसी मैट्रिक्स में अगर कोई भी एक रो या कॉलम मेरा सदस्य 0 है तो मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स, ये कब बताए थे आपको, इंटर में क्या बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का जीरो या कॉलम जीरो होता है तो मैट्रिक्स जीरो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ 5 4 1 2, एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम लोगों को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है, लेट ए इक्वल टू 5 4 1 2, ए इक्वल टू हो गया 5 4 1 2, दी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, इसका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मिलता है, तो a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, फिर देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि लेमडा i से गुना है, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका कोना कोनी घटेगा, समझ गए,
सिर्फ कहां घटेगा, तो कोना कोनी आपका घटेगा लेमडा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। कोना कोनी गुना कर लीजिए तो 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा और माइनस कितना हो गया 4 इक्वल टू 0। 5 दुना 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 7 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू आपका हो गया 0। यहां से बोलिए तो क्या मिला, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बना लीजिए, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन, लेमडा माइनस 6 माइनस 1 कॉमन, लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, लेमडा माइनस 1, लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा बराबर 1 और लेमडा बराबर कितना हो गया 6। देयरफॉर लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर 1 एंड लेमडा बराबर लेमडा 2 बराबर 6, इसी को हम लोग कहते हैं आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं इसको, आइगन वैल्यू, इसको कहते हैं आइगन वैल्यू। और हर आइगन वैल्यूज के कोरेस्पोंडिंग हम लोगों को निकालना है आइगन वेक्टर। केस वन लेट x=x1=xy(b), आइगन वेक्टर corresponding to eigen values λ=λ1=1। समझ गए, हम मान लिए कि λ1=1 के लिए आपका आइगन वेक्टर क्या है, तो आइगन वेक्टर है xy, ठीक है। आइगन वेक्टर आपका क्या है, तो xy है, नहीं नहीं आइगन वेक्टर आपका क्या है, तो एक्स वाई है, ठीक है। अब देखिए तो देयरफॉर आपका हो जाएगा इस प्रकार से, ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ए माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0, दैट इज ए माइनस लेमडा, तो लेमडा यहां पर लेमडा 1 के बराबर है और लेमडा 1 कितना है 1, यानी कि 1 का मतलब सिर्फ i हो गया x इक्वल टू 0। तो a जो आप a से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को घटा दीजिए तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ कोना कोनी घटेगा ना, सिर्फ कोना कोनी घटेगा तो कितना मिलेगा, तो ये आपका 5, तो 5 से 1 गया 1, 4 2 से 1 गया, इधर आपका हो गया xy इक्वल टू 0, यानी कि 4 1 4 1, इधर xy इक्वल टू हो गया 0, समझ गए, इक्वल टू 0। यहां से आप सॉल्व कीजिए आपका कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 0 एंड x यहां से गुना कीजिए x और प्लस y इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करने पे अल्टीमेटली दोनों एक ही क्वेश्चन है ना, है कि नहीं, दोनों एक ही क्वेश्चन है, कहने का मतलब दैट इज x प्लस y इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, x प्लस y स्क्वायर x प्लस y बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया, समझ गए, x प्लस y इक्वल टू 0। तो यहां से आपका y बराबर कितना हो जाएगा माइनस x, y बराबर आपका हो गया माइनस x, क्या लिखिएगा, तो लेट x इक्वल टू k, x इक्वल टू क्या मान लिए k, therefore y बराबर कितना हो जाएगा माइनस k, x इक्वल टू k मान लिए तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस k, और therefore तब क्या होगा, x बराबर x1 बराबर आपका कितना था, आपका आइगन वेक्टर है xy, xy तो यहां पर x के जगह पे k और y के जगह पे कितना हो गया माइनस k, दैट इज x इक्वल टू x1 इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1, k के जगह पे आप क्या ले लीजिए 1, 1 माइनस 1 4
k इक्वल टू 1 इज द आइगन वेक्टर कोरेस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा बराबर लैम्डा 1 इक्वल टू 1। इसी तरह से केस 2 ले लीजिए, केस 2 यानी कि लेट x बराबर x2 बराबर xy बी आइगन वेक्टर corresponding to eigen values lambda equal to lambda 2 equal to कितना है 6। therefore तब क्या होगा, therefore a minus lambda I into x बराबर कितना हो जाएगा 0, a minus lambda I into x बराबर 0, a minus lambda इस बार कितना है 6 I x equal to 0। तो आप क्या कीजिए, I से I को किससे गुना किए हैं 6 से, फिर माइनस किए हैं, तो आपका यहाँ पर कोना कोने 6 घट जाएगा, यानी कि 5 minus 6 4 1 2 minus 6 यहाँ पर xy equal to आपका हो गया 0। कहने का मतलब minus 1 1 4 minus 4 और xy equal to 0। यहां से दो इक्वेशन मिलेगा माइनस एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज इसको यदि आप माइनस से गुना कर लीजिएगा दैट इज तो माइनस एक्स प्लस फोर वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। और दोनों ही इक्वेशन आपका क्या हो गया सेम हो गया, दोनों ही इक्वेशन आपका सेम हो गया, हाँ दैट इज माइनस एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, तो फोर वाई इक्वल टू आपका कितना हो गया x, फोर वाई इक्वल टू हो गया x, समझ गए। तो लिखिएगा therefore x बराबर x1 बराबर कितना है xy है ना, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर एक बार मान लीजिए, क्या मानिएगा let, यहाँ पर क्या लीजिएगा let x इक्वल टू k, then x equal to आप क्या मान लिए k, then आपका जो है बल्कि x नहीं y equal to k मान लीजिए, तो then x equal to कितना हो जाएगा 4k, यदि y k मानिएगा तो x आपका कितना हो जाएगा 4k। लिखिएगा therefore x बराबर x1 बराबर xy और x के जगह पे कितना हो गया 4k और y के जगह पे कितना हो गया k, x के जगह पे 4k y के जगह पे k, हाँ तो फिर इसको लिखेंगे, हाँ x बराबर x1 बराबर k के जगह 1 ले लीजिए, तो सारे कम 4 और ये 4 हो जाएगा 4k equal to 1 is the eigen vector corresponding corresponding to eigen values lambda equal to lambda 2 equal to 6, समझ गए, lambda equal to lambda 2 equal to 6। थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, मैं इसको नीचे कर देता हूं, ठीक है चलिए अब बिल्कुल दिख रहा है, तो यही आपका हो गया सॉल्यूशन, आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, दो क्वेश्चन आपका हो गया मैट्रिक्स अलजेब्रा से ग्रुप सी में और एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, यानी कि ग्रुप सी में टोटल हम लोग तीन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है
12 का ए नंबर देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट एंड प्रूफ डिमोवियर थ्योरम। क्या हम लोग को बोल रहा है प्रूफ करने के लिए? डिमोवियर्स या डिमोवर्स जो भी बोल लीजिए, उस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखना है और फिर हम लोगों को प्रूफ करना है। आइए इसको पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर प्रूफ लिखते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है कि स्टेटमेंट आपका इस प्रकार से होता है। नंबर वन, इफ एन बी ए इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव देन cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। नंबर टू, इफ n बी ए फ्रैक्शन पॉजिटिव और निगेटिव then one of the value of cos theta plus i sin theta to power n is cos n theta plus i sin n theta ये statement कहता है, समझ गए? यदि एग्जाम में कभी लिखा रहे स्टेटमेंट प्रूफ, तो भले आपको प्रूफ अच्छी तरह से याद है और आप स्टेटमेंट नहीं जानते हैं तो आपका मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि प्रूफ तो वही कीजिएगा जिसको आप स्टेट कीजिएगा। तो स्टेटमेंट पहले लिख दिए, क्या कहता है, यदि n आपका कोई इंटीजर हो, इंटीजर दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तब cos theta plus i sin theta पे पावर n आपको मिलेगा cos n theta plus i sin n theta, यानी कि ये जो पावर है एंगल के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। या यदि n आपका फ्रैक्शन है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो cos theta plus i sin theta पर पावर n का एक वैल्यू आपको मिलेगा cos n theta plus i sin n theta। समझ गए? बोलिए। आई साइन एन थीटा, यहाँ पर आई साइन एन थीटा, समझिए। ये आपका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ हम लोग करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ। प्रूफ इसमें यदि पहला को सिद्ध करेंगे तो दो केस में सिद्ध करना पड़ेगा। क्या? एक आपको लेना पड़ेगा पॉजिटिव वाला केस और एक लेना है आपको निगेटिव वाला केस। यानी कि वेयर केस वन, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जब एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, फर्स्ट केस में हम लोग लेके चल रहे हैं। We shall prove this result by using mathematical induction principle। इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल के यूज करके सिद्ध करेंगे। देखिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा, यदि एक पावर दीजिएगा, एक पावर से तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका cos थीटा प्लस i sin थीटा। और जो है फिर आपको इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, cos 1 थीटा प्लस i sin 1 थीटा।
समझ गए क्या लिख सकते हैं, cos 1 थीटा प्लस i sin 1 थीटा। तो देखिए ये जो पावर था, ये पावर आपका एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि n बराबर 1 के लिए सही है। लिखिएगा therefore it is true for n equal to 1। अगेन cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर 2 ले लीजिए, तब क्या होगा, इसको तोड़िए, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, और i स्क्वायर बराबर कितना होता है, माइनस 1, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका आई इंटू आपका हो गया 2 साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा। अब एक बात बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, हाँ या नहीं, बिल्कुल 1 नहीं होता, ये कॉस 2 थीटा होता है, ये कॉस 2 थीटा प्लस आई, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, ये साइन 2 थीटा होता है, कितना होता है साइन 2 थीटा। कहने का मतलब है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। कहने का मतलब ये पावर जो है एंगल के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि n बराबर 2 के लिए भी ये सही है। लिखिएगा सो इट इज Also true for n equal to 2। आपको 3 के लिए भी ट्राई करना है। अगेन cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर 3 बराबर क्या होगा, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b, आपका कितना हो जाएगा a क्यूब, यानी कि cos क्यूब थीटा प्लस 3a स्क्वायर इनटू b, यानी कि i sin थीटा प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b क्यूब, यानी कि i क्यूब और sin क्यूब थीटा, i क्यूब और sin कितना हो गया क्यूब थीटा। अब देखिए तो क्या मिला, तो अब आपका इस प्रकार से हो गया cos क्यूब थीटा प्लस 3, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको आप किस में बदल लीजिए sin में, तो आपका हो जाएगा 3i 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। फिर देखिए ये i स्क्वायर है ना, i स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पे माइनस हो गया 3 cos थीटा, और देखिए sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और देखिए i क्यूब है, i क्यूब बराबर होता है माइनस i, i क्यूब बराबर माइनस i, यानी कि माइनस i और sin क्यूब थीटा हो गया, माइनस i sin क्यूब थीटा, इसको तोड़ लीजिए cos क्यूब थीटा प्लस 3i sin थीटा माइनस 3i sin क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 3 cos क्यूब थीटा माइनस i sin क्यूब थीटा। cos वाले को एक साथ रखिए, देखिए cos क्यूब थीटा और यहाँ पर 3 बार है, यानी कि 4 cos क्यूब थीटा हो गया, और ये आपका हो गया माइनस 3 cos थीटा, एक साथ प्लस साइन में जहां भी देखिएगा हर जगह पे क्या है आपका आई है, हर जगह पे आई है, तो आई को बाहर ले लिए। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 3 sin थीटा, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 माइनस 4 sin क्यूब थीटा, समझ गए कितना हो गया माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ठीक, अब देखिए तो अब एक फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा कितना होता है,
cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो sin 3 थीटा का। कहने का मतलब क्या मिला कि cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर 3 इक्वल टू हो गया cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा। इसका मतलब ये पावर फिर किसके साथ आ गया, एंगल के साथ, यानी कि ये भी आपका n इक्वल टू 3 के लिए सही है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू 3। ठीक है, इसको आप लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग 3 पावर तक देखा है, अब क्या कीजिएगा कि अब लिखेंगे लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। मान लीजिए कि रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, n इक्वल टू m के लिए। देयरफॉर cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर n बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह m रख दीजिएगा, तो cos m थीटा प्लस i sin m थीटा हो जाएगा। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, जितना आप माने है ना उससे ज्यादा सही दिखा दीजिए तो सभी इंटीजर के लिए सही हो जाएगा, समझे, यानी कि सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, एक ज्यादा पावर दिखाना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एम इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो क्या हो गया देखिएगा, तो इम्प्लाइज यहाँ पर बेस तो दोनों के सेम है, यहाँ पर आपका एम पावर है और यहाँ पर वन पावर है, तो पावर एम प्लस वन हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर m प्लस 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, cos m थीटा इनटू cos थीटा और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो i स्क्वायर तो माइनस 1, यानी कि माइनस sin m थीटा इनटू sin थीटा बचेगा प्लस। अब i वाला ले लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो i मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो sin m थीटा, बल्कि पहले cos लिख दीजिए या sin sin ही लिखे, आपका sin m थीटा into cos थीटा और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos m थीटा into आपका क्या होगा sin थीटा। ठीक, अब देखें तो क्या है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, बोलिए किसका फॉर्मूला, ये cos किसका फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है बता देते हैं, cos a plus b बराबर होता है cos a into cos b minus sin a into sin b और फिर होता है आपका sin a plus b बराबर sin a into cos b plus cos a into sin b। ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया बोलिए, तो आपका हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर m प्लस 1 इक्वल टू ये cos a प्लस b, a के जगह पे m थीटा, b के जगह पे थीटा है,
प्लस आई साइन ए के जगह पे एम थीटा और बी के जगह पे थीटा है। कहने का मतलब क्या मिला कि आपका मिला कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एम प्लस वन बराबर कॉस, यहाँ पे थीटा कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पर भी आप क्या कीजिए तो थीटा को क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, फिर देखिए बात वही हो गया, पावर क्या हो गया उतर गया, समझ गए पावर उतर गया। इसका मतलब कि मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल से ये सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही है, समझ गए। लिखिएगा सो दैट इज इट इज ट्रू फॉर एन बराबर एम प्लस वन ऑल्सो, सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपका सही हो गया, समझ गए सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपका क्या हो गया तो सही हो गया। लेकिन अभी आप एक ही केस लेके चले, आपको फिर किसके लिए भी दिखाना है निगेटिव इंटीजर के लिए भी, तो पहले आप इसको नोट कीजिए फिर आपको निगेटिव इंटीजर दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको फ्रैक्शन को भी दिखाते हैं। देखिए अब हम लोग केस टू पढ़ते हैं, केस टू, केस टू आपका क्या है व्हेन एन इज ए निगेटिव इंटीजर, केस टू आपका है जब एन आपका क्या हो निगेटिव इंटीजर, ठीक। लेट n equal to minus m where m is a positive integer, क्या माने हम लोग n आपका क्या है negative integer है तो minus n इसका मतलब minus का format में आएगा तो minus m मान लिए जहां पर m आपका क्या है पॉजिटिव है, ऑब्वियस बात है कि जब जब भी n आपका m पॉजिटिव होगा n का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा निगेटिव में मिलेगा, यानी कि एनी हाउ ये आपका क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक। लिखेगा देन cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर n बराबर आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर कितना माइनस एम है, यानी एन के जगह माइनस एम लिख दिए और पावर में माइनस है तो इसको बटे में लेते आइए, यानी कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एम, और अभी एम आपका जो पावर है ये क्या है ये आपका पॉजिटिव है, और अभी तुरंत हम लोग केस वन में पढ़े यदि पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये आपका पावर क्या हो जाता है उतर जाता है, यानी कि एंगल के साथ आ जाता है, इंप्लाइज आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं वन बाय कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, काहे का बाय केस वन, इस चीज को हम लोग केस वन में पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या कीजिए तो अब आपका वन बाय कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए cos m theta minus i sin m theta बटे में cos m theta minus i sin m theta, देखिए तो क्या मिलेगा equal to cos m theta minus i sin m theta
बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर एम थीटा और आई स्क्वायर तो माइनस वन, यानी कि यह प्लस हो जाएगा और आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है वन। कहने का मतलब है कि कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा हो गया। और अब आप इसको यू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉस माइनस एम थीटा प्लस साइन माइनस एम थीटा। क्या फायदा है लिखने का, क्योंकि माइनस माइनस तो आपका माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में। कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस के एंगल में माइनस दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा, ये वाला माइनस तो बाहर निकल जाएगा ना, यानी ये चीज आपको मिल गया। और एक चीज गौर से देखिए कि कॉस माइनस एम किसके बराबर है, एन के बराबर, प्लस आई साइन एन थीटा। कहने का मतलब है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन बराबर हो गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा, जहां पर एन आपका क्या है, निगेटिव है। इस पर एन आपका क्या है, निगेटिव है, यानी ये निगेटिव के लिए भी सही है, समझ गए, ये निगेटिव के लिए भी सही है। लिखेगा सो द रिजल्ट इज also true, also true for negative integer, यानी कि negative integer के लिए भी आपका ये सही है, समझ गए। तो आपका क्या होगा, positive integer के लिए result सही है, negative के लिए सही है। अब हम लोगों को दिखाना है कि fraction के लिए भी ये सही है, इसको आप note कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं केस थ्री, यानी कि जब एन आपका क्या हो, फ्रैक्शन। केस थ्री क्या बोले, हाँ स्टेटमेंट टू का, तो केस थ्री हो गया ना, केस थ्री यानी कि व्हेन, व्हेन एन इज ए पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, जब आपका एन एक फ्रैक्शन हो, ये आपका क्या हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव। लेट लेट एन इक्वल टू फ्रैक्शन का मतलब कितना, पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज, वेयर पी इज ए फ्रैक्शन, वेयर P is a integer and Q is a positive integer। हम लोग क्या ले लिए, जब फ्रैक्शन के फॉर्म है, यानी कि P by Q है, जहां पर P आपका कोई भी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी, लेकिन Q किसी भी हालत में क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लिए। अब देखिए, नाउ कॉस पी थीटा बाय क्यू प्लस प्लस प्लस, ऐसे कीजिए, कॉस पी थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन पी थीटा बाय क्यू इस पे पावर क्यू, ये बताइए तो किसके बराबर होगा। यहाँ जो q है, ये q आपका पॉजिटिव इंटीजर है ना, और अभी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए केस को पढ़ चुके हैं कि ये किसके साथ आ जाता है, एंगल के साथ, किसके साथ आता है, एंगल के साथ, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं cos p थीटा बाय q इंटू q प्लस i साइन p थीटा बाय q इंटू q, ये दोनों कैंसिल। कहने का मतलब है क्या मिला, कि cos p थीटा बाय q प्लस i sin p थीटा बाय q इस पे पावर q बराबर कितना मिल गया, cos p थीटा प्लस i sin p थीटा, है या नहीं।
इतना मिल गया। अब एक चीज देखिए कि यदि 8 को आप 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना, यानी कि या ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 का क्यूबिक रूट कितना है 2, 8 का क्यूबिक रूट कितना है 2, आप 4 बराबर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो आप कहिएगा ना कि 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 है, हाँ या नहीं, 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2 है, कहिएगा कि नहीं कहिएगा। देखिए आपको क्या बता रहे थे कि 8 बराबर 2 पे पावर 3 यानी कि 8 का क्यूबिक रूट क्या है 2, 4 बराबर 2 स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। उसी तरह से देखिए कि इतना बराबर इसके पावर क्यूब है यानी कि इसका क्यूबिक रूट आपका ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि इसका क्यूबिक रूट एक ये होगा, हाँ या नहीं, इसका क्यूबिक रूट एक ये होगा यानी कि वन ऑफ द क्यूबिक रूट ऑफ इतना इज इतना, तो क्या लिखेगा इंप्लाइज इंप्लाइज वन ऑफ द क्यूबिक रूट ऑफ कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा इज कॉस पी थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन पी थीटा बाय क्यू, समझ गए। बट एक बात बताइए कि कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा रहे तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर पी, लेकिन ये तब लिख सकते हैं अभी तक के नॉलेज के अनुसार से जब आपका पी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो, क्योंकि हम लोग ये दोनों केस के लिए सिद्ध कर चुके हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी किए हैं और निगेटिव के लिए भी किए हैं, यहां तो पी आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, पॉजिटिव निगेटिव तो दोनों के लिए सही है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब आपका हुआ दैट इज वन ऑफ द क्यूबिक रूट ऑफ कॉस कितना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर पी इज कितना है, ये आपका है कॉस पी थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन पी थीटा बाय क्यू, वन ऑफ द क्यूबिक रूट हो गया। और जब हम एक रूट निकालेंगे तो ये क्यू इसके पावर में आ जाए बटे में आ जाएगा, दैट इज वन ऑफ द रूट, अब क्यूएथ हटा दीजिएगा तब बटे में आ जाएगा क्यूएथ रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पर पावर क्यू बाय पी बाय क्यू इज कॉस पी थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन पी थीटा बाय क्यू, और पी बाय क्यू आपका क्या था, पी बाय क्यू आपका था एन, दैट इज वन ऑफ द दैट इज वन ऑफ द रूट ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन इज कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा वेयर एन इज ए फ्रैक्शन, वेयर एन इज ए क्या हो गया फ्रैक्शन। तो आप तीनों केस में हम लोग इसको क्या किए सिद्ध कर दिए, हेंस द रिजल्ट इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया। तो इसको कंप्लीट लिखने के लिए 8 नंबर के लिए इतना लिखिएगा तो 8 में 8 नंबर आपको मिलेगा, 8 नंबर का पूछेगा कि 16 में 2 पार्ट होगा ना, ये तो अभी ए पार्ट पता है ना, अभी इसका बी तो रख ले, लेकिन बी छोटा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ ए वन प्लस आई बी वन इंटू ए टू प्लस आई बी टू
इंटू डॉट 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 एन प्लस आई बी एन इक्वल टू ए प्लस आई बी प्रूव दैट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इंटू डॉट 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 एन स्क्वायर प्लस बी वन बी एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नंबर वन नंबर टू टेन इनवर्स बी वन बाय ए वन प्लस टेन इनवर्स बी टू बाय ए टू प्लस डॉट 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 प्लस टेन इनवर्स बी एन बाय ए एन इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाय ए। हालांकि ये जो सेकेंड नंबर है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा है लेकिन जस्ट इससे रिलेटेड है इसीलिए मैं दोनों आपको बता देता हूँ इन केस पूछ दे तो आपको समस्या है परेशानी न। तो कैसे बनेगा आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट एन इक्वल टू आर एन कॉस थीटा एन एंड बी एन इक्वल टू आर एन साइन थीटा एन फोर आई इक्वल टू वन टू डॉट 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 एन। इसको सब्स्टिट्यूट किए क्या सब्स्टिट्यूट किए तो एन बराबर आर एन कॉस थीटा एन बी एन बराबर आर एन साइन थीटा एन जहां पर आई बराबर आपका क्या है आई आपका क्या है आई बराबर नहीं ये जो आपका एन है ना एन आपका क्या होगा एन तो ये जो एन है आपका एन का मतलब एक दो तीन चार पांच एन का मतलब कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पांच एन इक्वल टू वही हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर समझिए एन का मतलब कितना हो गया एक दो तीन से कहां तक एन तक ये नेचुरल नंबर है ठीक है एन आपका यहां पर लिख दीजिएगा बेहतर होगा एन आपका क्या है तो एन आपका है नेचुरल नंबर यानी कि आपका एन का मान क्या क्या हो सकता है एक दो तीन चार से लेकर एन तक ठीक है स्क्वायर करके एड कर दीजिए तो स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग वी गेट आपका ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर इक्वल टू आर एन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस आर एन का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एन। यहां पे आर एन स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिएगा तो एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बराबर आर एन स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा एन प्लस साइन स्क्वायर थीटा एन बचेगा जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन। तो उसको छोड़ देते हैं इसको आप एक मान लीजिए और डिवाइड कर दीजिए डिवाइडिंग कीजिए क्या कीजिए पहले साइन वाले को ऊपर रखिएगा यानी कि बी एन बाय एन इक्वल टू आपका आर एन साइन थीटा एन बटे आर एन और आपका हो गया कॉस थीटा एन आर एन कैंसिल कहने का मतलब है टेन थीटा एन इक्वल टू बी एन बाय एन हो गया और यहीं से यदि आप थीटा एन निकालिएगा तो टेन इनवर्स बी एन बाय एन मिलेगा समझिए थीटा एन इक्वल टू क्या मिला तो टेन इनवर्स बी एन बाय एन। अब क्या कीजिए तो अब आपका जो दिया हुआ है उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए वी हैव देखिए हम लोग के पास क्या है वी हैव क्या है हम लोगों के पास ए वन प्लस आई बी वन ए टू प्लस आई बी टू डॉट 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 एन प्लस आई बी एन इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहां पर क्या कीजिए एन के जगह पे क्या रख दीजिए वन ए वन बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई आर वन साइन थीटा वन है या नहीं। इसी तरह से ए टू कितना हो जाएगा दो रखेगा तो आपका हो जाएगा आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई आर टू साइन थीटा टू डॉट 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 फिर आपका हो जाएगा आर एन कॉस थीटा एन प्लस आई आर एन साइन थीटा एन इक्वल टू ए प्लस आई।
यहाँ से आर वन कॉमन, यहाँ से आर टू कॉमन और डॉट 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 कितना कॉमन हो जाएगा आर एन। कहने का मतलब है कि आपका आर वन आर टू डॉट 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 आर एन आपका क्या हो जाएगा कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पर कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, फिर बचेगा कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू डॉट 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 आपका बचेगा कॉस थीटा एन प्लस आई साइन थीटा एन और बाजू में आपका हो गया ए प्लस आई। ठीक है, बाजू में हो गया ए प्लस आई बी। और डिमोवर्स थ्योरम से क्या होता है कि सारा का सारा एंगल आपका जुट जाएगा। समझिए कहने का मतलब है आपका क्या होगा, तो आपका होगा इस प्रकार से आर वन आर टू आर एन आर वन आर टू डॉट 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 आर एन और ये कितना हो जाएगा तो कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा एन प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस डॉट 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 थीटा एन इक्वल टू हो गया ए प्लस आई इक्वल टू ए प्लस आई बी। और दोनों तरफ आप क्या कीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लीजिए। समझिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड। तो देखिए ये तो R1 से लेकर Rn तक तो एबे करेगा, cos के साथ लगेगा तो ये रियल पार्ट और इधर sin के साथ लगेगा तो इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर i है ना और इस तरफ रियल पार्ट आपका कितना है a और इमेजिनरी पार्ट कितना है b। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा R1 R2 डॉट 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 Rn इनटू cos थीटा 1 प्लस थीटा टू प्लस थीटा एन इक्वल टू हो जाएगा ए एंड आपका आर वन आर टू डॉट 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 आर एन और ब्रैकेट में साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी। हायर अब दोनों को स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग इसका नाम भी दे दीजिए। समझ गए आप, एक लिए है ना इसका नाम दे दीजिए दो और इसका नाम दे दीजिए तीन, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। तो क्या मिलेगा देखिएगा, तो आपका मिलेगा ये तो कॉमन हो जाएगा दोनों में स्क्वायर कीजिएगा तो यानी कि आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर एन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा एन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा एन और इस तरफ आपका बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन। आया नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर आर एन स्क्वायर डॉट 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 इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब लास्टली आप क्या कीजिएगा, तो लास्टली आपको करना है अब आर वन यहाँ पे कितना हो जाएगा आर वन रखिएगा तो ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या नहीं, यानी कि आपका क्या मिला ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इन टू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस तरह से आपका एक पार्ट सिद्ध हो गया। समझिए एक पार्ट आपका सिद्ध हो गया, तो आप इसको नोट कीजिए फिर इसके सेकेंड पार्ट को बताते हैं।
देखिए अब क्या कीजिएगा, सेकेंड पार्ट के लिए तीन में भाग दीजिए दो से, तीन भागा दो क्या मिलेगा R1, R2. तो बोलिए इधर मिलेगा आपका R1 R2 डॉट 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 Rn और मिलेगा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा n, बटे में आपका हो गया R1 R2 Rn और आपका हो जाएगा cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा n और इस तरफ आपका हो गया b by a, समझ गए b by a। और अब क्या कीजिए, ये दोनों भाई साहब कैंसिल और sin by cos कितना हो गया 10, यानी कि 10 थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा n इक्वल टू b by a और यहां से थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा n इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b by a। और याद कीजिए इसके पहले हम लोग निकाले थे कि आपका थीटा n इक्वल टू निकाले थे tan इनवर्स b n by a निकाले थे ना, तो थीटा वन है तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंप्लाइज tan इनवर्स b one by a one प्लस tan इनवर्स b two by a two प्लस डॉट 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 tan इनवर्स bn by an इक्वल टू आपका हो गया कितना, तो tan इनवर्स b by a। ये नहीं पूछा था फिर भी हम आपको बता दिए क्योंकि दो या चार लाइन तो ज्यादा था ना, और इस प्रकार से ये आपका हो गया, इसको आप नोट कीजिए।